अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सोनियान को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके डैड जो बास्केटबॉल कोच थे टीम के गोल ना कर पाने पर उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। इसलिए सोनियान फैसला करती है कि अब वो किंगमिंग टीम को जिताकर अपने डैड के सपने को पूरा करेगी। तभी वो देखती है कोई लड़का रात में बास्केटबॉल खेल रहा है तो सोचती है किंगमिंग में काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, मुझे बस एक बास्केटबॉल क्लब बनाना है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। पर वो देख लेता है और डिलीट करने को कहता है। वो नहीं कर रही थी तो छीन कर डिलीट करने लगता है। वो छीनती है पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहता है हमें किस करना चाहिए तो वो जल्दी से उठ जाती है पर वो लड़का बिना नाम बताए ही वहाँ से चला जाता है। फिर सोनियान वो वीडियो अपने फ्रेंड टूटू को दिखाकर उस लड़के का नाम पूछती है पर वीडियो के क्लियर ना होने की वजह से टूटू उसे पहचान नहीं पाती। फिर सोनियान अपना फेस कवर करके बास्केटबॉल क्लब के लिए प्लेयर्स ढूंढने निकलती है। वहाँ एक रेस हो रही थी पर एक डिलीवरी बॉय उन रेसर्स को भी पीछे छोड़ देता है। उसकी अमेजिंग स्किल्स देखकर सोनियान हैरान थी। इनफैक्ट वो डिलीवरी बॉय टॉप रेसर झेंग को मिल्कटी देने आया था तो सोनियान उसे बास्केटबॉल ज्वाइन करने को कहती है। पर वो कहता है अगर पैसे मिलेंगे तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ वरना नहीं। टूटू सोनियान को पुराने प्लेयर्स की फोटो दिखाती है तो सोनियान कहती है चूरन तो पक्का क्लब ज्वाइन करेगा वो मेरे डैड का स्टूडेंट जो है। पर ये जुन कौन है? टूटू कहती है तुम्हें नहीं पता जुन फेमस और हैंडसम प्लेयर है, लड़कियां तो उसके पीछे पागल हैं। वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं हर चीज में परफेक्ट है। सुना है वो अपनी प्लेइंग स्किल्स छुपाता है और वो चूरन से भी अच्छा प्लेयर है पर वो किसी से बात नहीं करता और उसने तुम्हारे डैड वाले मैटर से पहले क्लब छोड़ दिया था। सोनियान कहती है मुझे क्लब के लिए चूरन के अलावा प्लेयर्स को ढूंढना ही होगा चाहे वो फिर जुन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट डे वो दोनों बास्केटबॉल क्लब का प्रचार कर रही थीं और एप्लीकेशन फॉर्म बांट रही थीं पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इसलिए वो बॉयज डॉर्म में जाने की सोचती हैं। इधर हम जुन और उसके फ्रेंड झेंग को देखते हैं। क्लास में जिस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाता उसका आंसर जुन दे देता है। आंटी ने उन्हें बॉयज डॉर्म से भगा दिया था इसलिए वो दोनों चुपके चुपके वहाँ आती है जहाँ उन्हें शेन मिलता है जो पुराना बास्केटबॉल प्लेयर था। उसने उनसे फॉर्म ले लिया था इसलिए वो दोनों खुश थी। चूरन जो अपना बैग लेकर जा रहा था सोनियान को बताता है कि मैं शेनहुआ में ट्रांसफर ले रहा हूँ। वो कहती है शेनहुआ पर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ मिलकर बास्केटबॉल क्लब बनाओगे। वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो कहती है जरूरत नहीं और उसे जाने को कहती है तो वो चला जाता है। टूटू कहती है अब तो चूरन भी चला गया हमें जल्दी से प्लेयर ढूंढने होंगे क्या हम शेनहुआ कॉलेज की टीम को हरा पाएंगे। सोनियान कहती है हमें चूरन की जरूरत नहीं हम उसके बिना भी हरा सकते हैं। और वो दोनों फिर से बॉयज डॉर्म में आती हैं। जुन को देखकर सोनियान उसे पहचान लेती है कि ये तो वही रात वाला प्लेयर है तो वो उसे बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने को कहती है। वो मना करता है तभी वो देखती है उसकी कोच के साथ फोटोज हैं पर उसके पैर से अड़कर पट्टे देना गिर जाती है। वो कहता है तुम कितनी क्लम्सी हो और क्लब बनाने चली हो। तभी वहाँ आंटी आ जाती हैं तो वो कहती है मैं इसकी कजन हूँ बताओ ना। वो कहता है नहीं ये मेरी एल्डर कजन है मुझे बुक्स देने आई थी। आंटी कहती हैं ठीक है तो अब जल्दी से बॉयज डॉर्म से चली जाना। आंटी के जाने के बाद क्लब ज्वाइन करने के लिए सोनियान जुन के हाथ पे अपना नंबर लिख जाती है। वो सोचता है ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। नेक्स्ट डे वो दोनों प्लेयर का वेट कर रही थी तभी वहाँ शेन और डिलीवरी बॉय लिंगजुआन आता है। लिंगजुआन सोनियान को बास्केटबॉल चैलेंज करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है पर एक कंडीशन पर कि अगर वो जीती तो लिंगजुआन को क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। और उन दोनों में मैच स्टार्ट होता है। पहली बार किसी गर्ल को बॉय के साथ मैच करता देख सब एक्साइटेड थे पर जुन को लगता है कि गर्ल्स वीक होती हैं तो सोनियान की हार पक्की है। पर सोनियान वही बैकवर्ड जंप शॉट यूज करती है जो जुन का बेस्ट मूव है पर जुन उसे एमेच्योर कोच कहकर जाने लगता है। उसे जाता देख सोनियान उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए उसका नाम पूछती है पर वो मना करता है। टूटू कहती है तुम इसकी बात कर रही थी यही तो जुन है। वो कहती है जुन शेन और जेंग मेरे डैड तुम्हारे कोच थे और अब मैं किंगमिंग बास्केटबॉल क्लब बना रही हूँ ताकि शेनहुआ टीम को हरा सके। जेंग और जुन मना कर जाने लगते हैं
पर सूनियन जुन का हाथ पकड़ लेती है। जुन से अपना हाथ छुड़ाया नहीं जा रहा था, तभी वहाँ चूरन आता है और जुन को हेलो करता है, पर जुन उससे नहीं बोलता। तो चूरन जुन को बास्केटबॉल मैच का चैलेंज करता है, तो जुन एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे, पर लिंगजुआन को जाते देख टूटू से रोकने लगती है, पर वो कहता है मैं एक लड़की को तो हरा नहीं पाया, तो बास्केटबॉल के खेलूंगा। वो कहती है सूनियन प्रोफेशनल कोच है, उसे हराना आसान नहीं, पर अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे तो अच्छे प्लेयर बन सकते हो। पर वो मना कर चला जाता है। इधर जुन और चूरन का बास्केटबॉल मैच चल रहा था। जुन चूरन को बॉल ही नहीं पकड़ने देता, पर वो गोल भी नहीं कर पाया था, इसलिए राउंड दोबारा स्टार्ट होता है, जिसमें जुन अटैक करता है, पर चूरन से गलती से बास्केटबॉल सूनियन के लगने वाली थी। तभी जुन बास्केटबॉल दूर फेंक उसे बचा लेता है। वो उसे देखने लगी थी तो वो कहता है प्रोफेशनल बनो और बास्केटबॉल कोर्ट से दूरी बना के रखो। इस बार चूरन के अटैक की बारी थी और वो बहुत इजीली गोल कर देता है। इनफैक्ट जुन ने काफी टाइम से कोई मैच नहीं खेला था, इसलिए चूरन उसे जीत गया था। जुन वहाँ से जाने लगता है तो सूनियन उसे भाग कर आ कहती है क्या मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए पैदा हुई हूँ? मुझे नहीं पता तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, पर क्या तुम चूरन को रियल में नहीं हराना चाहते? पर वो मना कर चला जाता है। स्कूल मैनेजर प्रिंसिपल को बास्केटबॉल स्टेडियम डिसमिस करने को कह रहा था, इसलिए प्रिंसिपल सूमन को कहती है पिछली बार हमारा स्कूल किंगमिंग शेनहुआ से हार गया था और तुम्हारे डैड, इसलिए अब किसी में भी बास्केटबॉल खेलने का पैशन नहीं रहा। सूनियन उनसे हेल्प मांगती है तो प्रिंसिपल कहती है मैं हेल्प करना तो चाहती हूँ, पर हमारे पास ना तो कोई प्लेयर है और ना ही कोच। वो कहती है मैं प्लेयर को लेकर आऊंगी और कोच मैं बनूंगी, मैं सिर्फ ये अपने डैड के लिए नहीं अपने लिए भी करना चाहती हूँ, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो इसका मुझे पछतावा होगा, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। प्रिंसिपल उसे एक चांस दे देती है। तो सूनियन और टूटू लिंगजुआन से मिलने वहाँ आती हैं, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है और उसका शाम तक वेट करती हैं, पर वो आज वहाँ नहीं आया था। सूनियन फिर से बॉयज डॉर्म में जुन से बास्केटबॉल ज्वाइन करने के लिए पूछने आती है, वो फिर से मना कर देता है, पर आंटी को आता देख सूनियन को लेकर वॉशरूम में छुप जाता है। जैंग आंटी को कहता है जुन यहाँ नहीं है, पर आंटी ने एक लड़की को अंदर आते देख लिया था इसलिए उन्हें शक था। सूनियन कहती है एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन कर दो, टॉयलेट कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा। पर तभी नोटबुक गिर जाती है, जिसकी आवाज सुन आंटी को शक होता है, तो जैंग बहाने बनाने लगता है। दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हैं, पर कॉकरोच देख वो डर जाती है। वो कहता है चिल्लाना मत, मैं इसे भी मारता हूँ। वो कहती है पर तुम तो खुद डरे हुए लग रहे हो। वो कहता है मैं कहाँ डर रहा हूँ। सूनियन डर के मारे उसकी गोद में चढ़ जाती है और जुन कॉकरोच पर पैर रख देता है, पर उन दोनों को जैंग ने ऐसे देख लिया था तो जुन सूनियन को गेट आउट कर देता है, इसलिए सूनियन सैड थी। टूटू से बताती है कि मैंने लिंगजुआन पर पूरी रिसर्च की है, वो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता है, वो बास्केटबॉल नहीं ज्वाइन करने वाला, पर अब देखना मैं उसे कैसे मनाती हूँ। और फिर बार बार मिल्क टी ऑर्डर करती है। बेचारा लिंगजुआन जो बार बार मिल्क टी डिलीवर करने आ रहा था, इससे थक गया था और कहता है टूटू क्या तुम मिल्क टी पानी की तरह पीती हो? वो कहती है मैंने पैसे दिए हैं। सूनियन कहती है हम तुम्हारा तभी पीछे छोड़ेंगे जब तुम क्लब ज्वाइन करोगे। वो कहता है कर लो जो करना है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। जैंग उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। सूनियन और टूटू को पता चलता है कि लिंगजुआन क्लास स्किप करके पार्ट टाइम जॉब करता है, तो सूनियन जानबूझकर प्रिंसिपल के सामने लिंगजुआन के आते ही कहती है तुम अपनी क्लास स्किप करके पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो प्रिंसिपल लिंगजुआन को डांट कर चली जाती है, उसे गुस्सा आ रहा था, तो वो कहती है अगर तुम बास्केटबॉल मैच जीते तो स्कॉलरशिप मिलेगी और ना ही पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें क्लास स्किप करनी पड़ेगी। वो कहता है स्कॉलरशिप। जुन की सूनियन के साथ वाली फोटो देख गर्ल्स कहती हैं जुन की कोई गर्लफ्रेंड भी है, पर ये लड़की कौन है? जैंग को सूनियन की फोटो खींचने के लिए जुन ने कहा था, तो जैंग कहता है अगर तुम्हें कोच इतनी पसंद है तो उसे सीधे सीधे जाकर कन्फेस कर दो। पर जुन तो ये चेक करना चाहता था कि सूनियन स्टेडियम को डिसमिस होने से बचाने के लिए क्या क्या कर रही है, और वो भी नहीं चाहता कि स्टेडियम डिसमिस हो। जुन और सूनियन के साथ वाली बात को लेकर जुन की फैन गर्ल एना गुस्से में थी। तभी सूनियन का फेंका हुआ शॉट पुट उसके पास आकर गिरता है, तो एना छिड़ जाती है और फिर जुन को लेकर एना और उसकी फ्रेंड सूनियन और टूटू से फाइटिंग करने लगती हैं, और सबको पता चल जाता है कि सूनियन ही जुन के साथ की फोटो वाली लड़की है। तभी वहाँ जुन आता है और सूनियन का हाथ पकड़ वहाँ से ले जाता है। तभी कुछ गर्ल्स उनका फोटो खींच लेती हैं। डोर बंद देखकर सूनियन कहती है ऐसी कौन सी बात है जो बाहर नहीं हो सकती? वो कहता है मैं तुम्हारी प्लेयर ढूंढने में हेल्प करूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं, तुम चाहिए। वो कहता है खुद को छोड़कर मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। वो कहती है
मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो देखती है इंटरनेट पे पोस्ट डली है जिस पे लिखा है सुनियन और जुन का चक्कर चल रहा है और ये रहा उन दोनों का सबके सामने हाथ पकड़ने का सबूत। वो कहती है ऐसे हाथ पकड़ने से क्या होता है, मेरा वो भी तुम्हारे साथ चक्कर कैसे चल सकता है, मुझे सबको सच बताना होगा। और मैसेज कर अपना और जुन का रिलेशन क्लियर करती है पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जुन स्पीकर पे सबको कहता है मेरा और सुनियन का आपस में कोई रिलेशन नहीं, पर उसकी फैन गर्ल्स को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। टूटू कहती है तू तो प्लेयर ढूंढने निकली थी और अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लाई, वैसे कहीं जुन सच में तुझे पसंद तो नहीं करता। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है वो खड़ूस और मैं, नो वे। नेक्स्ट डे वो दोनों बास्केटबॉल क्लब के पोस्टर बांट रही थी और इधर जुन के कहने पर जैंग बॉयज को पैसे देकर क्लब ज्वाइन करने भेज रहा था। उन बॉयज को बिल्कुल भी बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था पर जुन तो किसी भी तरीके से बस स्टेडियम डिस्मिस होने से बचाना चाहता था। तो सारे बॉयज आकर सुनियन से एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं पर सुनियन कहती है पहले टेस्ट लिया जाएगा और उन सबको फर्स्ट राउंड में पुशअप करने थे पर सिर्फ सीनियर सिलेक्ट होते हैं, पर उनकी इतनी कम फिजिकल स्ट्रेंथ देख वो उन्हें भगा देती है। तभी फिर से बॉयज आते हैं पर वो तो पहले वाले ही थे और सुनियन को पता चलता है कि एक लड़का बॉयज को पैसे देकर वहाँ भेज रहा है तो वो उससे पूछती है। ये देख जैंग भागने लगता है जुन को वहीं बैठा देखकर। वो कहती है उन्हें बास्केटबॉल खेलना भी नहीं आता तो तुम पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, प्लेयर्स कमी हो पर बेटर होने चाहिए, और उसे खींच कर ले जाने लगती है। सुनियन उसे उन बॉय से पैसे वापस लेने ले जा रही थी पर वो साफ मना कर देता है। पर वो उसके करीब हो कहती है तुम ये सब करने के बजाय खुद ही क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते और प्लेयर्स मैं अपने लिए खुद ढूंढ लूंगी। उन दोनों को ऐसे देख एक कपल कहता है ये दोनों कितने करीब हैं, सो रोमांटिक। और उन दोनों की ये फोटो वायरल हो जाती है जिसे ऐना देख लेती है और सारी फैन गर्ल्स चिढ़ जाती हैं। फिर जुन जैंग से कहता है फैंग शैन और लिंगजुआन को लेकर तुम बास्केटबॉल कोर्ट में आना, मुझे कुछ बात करनी है। वो कहती है ये फैंग कौन है, जैंग कहता है फैन एक हट्टा कट्टा स्टूपिड गाय है। फिर सारी फैन गर्ल्स और ऐना वहाँ आकर कहती है जुन तुम इसके क्लोज मत जाना, तुम्हें सुनियन का असली चेहरा नहीं पता, ये फेस कवर करके लड़कों की फोटो खींचती है, ये सनकी है। वो कहता है वो सनकी नहीं है। वो कहती है ये टेस्ट के नाम पर लड़कों के कपड़े उतरवा कर देखती है। सुनियन कहती है मैं प्लेयर की फिजिकल फिटनेस देखती हूँ जो मेरा काम है, अगर जुन ज्वाइन करेगा तो मैं उसकी बॉडी भी देखूंगी और फील भी कर सकती हूँ। वो कहता है मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। तभी वहाँ जैंग के साथ फैंग आता है जो ऐना को देख रहा था। सुनियन कहती है क्लब ज्वाइन करने से पहले तुम्हें टेस्ट पास करना होगा, पर फैंग तो ऐना को देखने में इतना बिजी था कि उसे सुनियन की सुनाई नहीं आती। फिर टेस्ट के लिए फैंग सेटअप करता है और जैंग बास्केटबॉल स्किल दिखाता है जो अमेजिंग थी। वो गोल करने लगता है पर बास्केटबॉल ऐना की लगने वाली थी। तभी फैंग ऐना को बचा लेता है पर ऐना थैंक्स करने के बजाय उसे दूर रहने को कहती है, इसलिए बेचारा फैंग सैड था। चूरन किंगमिंग से ट्रांसफर होकर शेनहुआ कॉलेज में आ गया था और शेनहुआ का कोच उसे टीम का असिस्टेंट कोच बना देता है। शेनहुआ का कैप्टन डिंग उसे नीचे दिखाने लगता है पर चूरन बिना देखे गोल कर देता है जिसे देख सारे प्लेयर्स हैरान थे। फिर हम देखते हैं जब शेनहुआ और किंगमिंग टीम में मैच हुआ था तब चूरन की छोटी सी गलती के कारण उससे गोल नहीं हुआ था, तो सुनियन के डैड यानी कोच की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, इसलिए चूरन कहता है सॉरी कोच। बाकी सब तो मान गए थे पर जुन क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि वही टीम का कैप्टन बनने के लिए राइट था, पर अगर वो नहीं करेगा तो स्टेडियम डिसमिस हो जाएगा। पर सुनियन प्रिंसिपल को फिफ्थ प्लेयर के बारे में बता रही थी। इधर जुन पूछता है तुम सुनियन के बारे में क्या सोचते हो, जैंग कहता है डर्टी फीमेल मॉन्स्टर है वो। वो कहता है इसके अलावा और क्या, अगर मैं क्लब ज्वाइन करूंगा कहीं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वो कहता है तो तुझे उससे प्यार हो ही गया, जुन कहता है मैंने ऐसा कब कहा, जैंग कहता है मुझे लगता है तुझे नई शुरुआत करनी चाहिए, हमारे पास अभी भी टाइम है। फिर जुन प्रिंसिपल को आकर कहता है मैं बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने आया हूँ, तो सुनियन खुश होती है। सुनियन ने सब प्लेयर्स को बुलाया था पर कोई भी नहीं आता क्योंकि किसी ने भी कोच की बात को सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए वो शेन को कॉल करती है पर वो स्टडी में बिजी था। तो वो लिंगजुआन को कॉल करती है पर वो पार्ट टाइम जॉब में बिजी था। फिर वो जैंग और फैंग को कॉल करती है पर वो बहाने बना देते हैं, जुन अकेले में बास्केटबॉल खेल रहा था और सुनियन को कॉल भी नहीं उठाता, तो ये देख सुनियन सैड थी। नेक्स्ट डे सब प्लेयर्स सुनियन की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे जो प्रैक्टिस करने को कहती है,
पर तभी वहाँ एना को आते देख फैंग प्रैक्टिस करने लगता है और वो भी जेंग के साथ। कोच होने के नाते सुनियन जेंग और फैंग की स्किल्स को नोट कर लेती है। फिर फैंग गोल करके एना की तरफ देखता है, पर वो तो बस जुन को ही चीयर करे जा रही थी। तो मैनेजर टूटू उसे सब प्लेयर्स को चीयर करने को कहती है। फिर लिंगजुआन और शैन प्रैक्टिस करते हैं, पर जुन प्रैक्टिस करने के बजाय चला जाता है, तो उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं। और ट्रेनिंग वाले दिन ही सारे प्लेयर्स चले गए थे। सुनियन नोटिस करती है कि जुन टीम के साथ खेलने के बजाय अकेले आउटडोर कोर्ट में खेलना ज्यादा प्रेफर करता है। फिर जुन देखता है कि आउटडोर कोर्ट का लॉक लगा हुआ है, जिसकी की सुनियन के पास थी, क्योंकि ये लॉक उसी ने लगाया था। और वो उसे सबके साथ ट्रेनिंग करने को कहती है। वो उसे कीज छीन लेता है, तो वो उसे कीज छीनते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और उन दोनों की छीना छीनी में और सुनियन को बचाने के चक्कर में कीज गटर में जाकर गिर जाती है। वो सोचती है इसने मुझे को बचाया, वो सोचता है मैंने इसी को बचाया, पर कीज खो गई थी इसलिए वो गुस्सा होता है। इसलिए सुनियन उसे लॉक तोड़ने के नुस्खे बता रही थी। तभी एक लड़का डिंग जुन से जानबूझकर टकरा जाता है और खुद को शेनहुआ टीम का कैप्टन बताकर जुन को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। सुनियन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, पर जुन उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तो डिंग सुनियन का हाथ पकड़ लेता है और वो छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए जुन गुस्से से उसे उठाकर पटक देता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर सुनियन जुन को साथ में ट्रेनिंग करने को कहती है, पर वो कहता है इस मैच के बाद ही मैं साथ में ट्रेनिंग करूंगा और चला जाता है। किंगमिंग और शेनहुआ के मैच को लेकर सब बहुत एक्साइटेड थे, पर एना टेंशन में थी। टूटू को आता देख लिंगजुआन फैंग के आगे छुप जाता है, क्योंकि टूटू उसे ढूंढने आई थी। किंगमिंग और शेनहुआ टीम के मैच के बारे में सुनकर चूरन कोच को ये मैच ना करने को कहता है, क्योंकि शेनहुआ टीम की अभी सही से ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पर कोच के सामने उसकी नहीं चलती। इधर डिंगो कोई उसे मैच में हारने के बदले रिश्वत देने का मैसेज करता है, तो डिंगो लगता है ये मैसेज जुन ने किया है और वो उस मैसेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, जिससे ये रूमर्स फैल जाती हैं कि किंगमिंग टीम जीतने के लिए रिश्वत दे रही है। ये पता चलते है जुन सुनियन को कहता है तुमने शेनहुआ टीम को रिश्वत दी है, इसमें सब प्लेयर्स की इंसल्ट है, रिश्वत से जीतने के बजाय हारना ज्यादा अच्छा है। वो कहती है ये मैंने नहीं किया। तभी लिंगजुआन आकर कहता है मुझे तुम पे भरोसा है कोच, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। पर जुन उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था, तो वो कहती है मैं असली कल्प्रिट को ढूंढ कर रहूंगी, तब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तो वो हाँ करता है, पर दूर से ये सुन एना बहुत डर जाती है, क्योंकि उसी ने रिश्वत वाला मैसेज किया था। और वो डिंग को ये मैसेज इंटरनेट से डिलीट करने को कहती है, पर वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुन और सुनियन को साथ में, और जुन सुनियन को किस करने वाला था वो आंखें बंद करती है, पर ये तो उसका सपना निकला। तो जेंग उसे सपनों की दुनिया से जगाता है। जुन पूछता है क्या तुम अनस्पीकेबल लव के बारे में जानते हो। वो कहता है हाँ मैं अपने कजन की गर्लफ्रेंड को लाइक करता हूँ पर बोल नहीं सकता, अनस्पीकेबल लव। वो कहता है अरे ये नहीं, मेरा मतलब स्टार्टिंग में वो बहुत डिस्कस्टिंग लगती थी पर अब मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी। जेंग कहता है तुम कोच सुनियन की बात कर रहे हो। तो उसे डांट देता है। इधर सुनियन सोच रही होती है कि इन पांच प्लेयर में से तो कोई रिश्वत नहीं देगा, तो कौन होगा। तभी उसे मैसेज भेजने वाले की आईडी पता चल जाती है। सुनियन को देखकर जेंग कार रोक लेता है, तो सुनियन जुन को उससे एडवांस में सॉरी मांगने को कहती है, क्योंकि वो कल्प्रिट को पकड़ने वाली थी। पर वो उसे दूर हटाकर जेंग को कार चलाने को कहता है और चला जाता है और स्माइल भी कर रहा था। सुनियन क्लास में बैठी उसकी माफी का वेट कर रही थी और एकदम से उठ जाती है, तो टीचर से माफी मांगती है पर गलती से अपना फोरहेड ठोक डालती है। जुन की क्लास में आते ही एना डरकर चली जाती है। एना को देखकर सुनियन उससे बात करने के लिए अकेले में ले आती है। जुन उन दोनों को बातें करते सुन रहा था। वो उसे कहती है रिश्वत वाला मैसेज भेजने वाली तुम थी, तो तुमने रिश्वत देकर मुझे क्यों फंसाया। वो कहती है मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, मैं तो बस जुन की हेल्प करना चाहती थी। हाँ मैंने गलती की है पर मैं खुद भी विक्टिम हूँ। सुनियन कहती है तुम क्यों रो रही हो, रोना तो मुझे चाहिए। वो कहती है क्योंकि सच पता चलने के बाद जुन मुझसे नफरत करने लगेगा, प्लीज जुन को मत बताना। वो कहती है हाँ हाँ रो मत, मैं नहीं बताऊंगी। सुनियन की अच्छाई देख जुन स्माइल करता है। फिर सुनियन सबको ट्रेनिंग करवाती है, पर सब बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे, तो वो खुद को गुस्सा होने पर कंट्रोल कर रही थी। और फिर सबके लिए बॉटल्स का बॉक्स उठाकर लेकर आ रही थी, पर जुन आकर उससे अपनी वाटर बॉटल ले लेता है। वो सोचती है ये अचानक से क्यों आ गया, क्या ये मुझसे रिश्वत देने वाले का नाम नहीं पूछेगा। पर वो उसे बॉक्स उठाकर दे देता है और फिर सुनियन को देखकर स्माइल करता है। टूटू सबके लिए पैक्ड लंच लेकर आती है।
अर्जुन जो कभी पैक्ड लंच नहीं खाता अचानक से खाने को कहने लगता है तो सब हैरान होते हैं और सोनन भूख ना लगने का बहाना मारकर चली जाती है, क्योंकि वो जुन के आसपास होने से थोड़ा नर्वस फील कर रही थी और बाहर आकर स्पाइसी खाना खाने लगती है। पर वो वहाँ भी आ जाता है और फिर रिश्वत देने वाले का नाम पूछता है, पर सोनन उसे नहीं बताती तो वो खुद ही उससे सॉरी मांग कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टूटू लव बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखे स्टेप से पता चलता है कि बॉय गर्ल को लव करता है या नहीं करता। सोनन जो बीमार थी उसे बुक ना पढ़ने की सलाह देती है, पर जब वो अपने लिए पानी लेने जाती है जुन जो कब से उसका वेट कर रहा था उसे मेडिसिन देकर चला जाता है। इतनी सारी मेडिसिन और सैनिटाइजर देखकर वो कहती है, टूटू क्या तू वो लव बुक मुझे उधार दे सकती है। फिर मैच का दिन आता है, सोनन उन सबको ओपोनेंट टीम की वीडियो दिखाकर ऑपोजिट प्लेयर की वीकनेस और स्ट्रेंथ बता रही थी। एना के वहां आने की बात सुनकर ही फैंग कहता है, चिंता मत करो मैं ऐसा खेलूंगा कि हमारी टीम जीत जाएगी। तो सब हंस पड़ते हैं। फिर सोनन उन सबको मैच में उनकी पोजीशन बताकर बास्केटबॉल खेलने के स्टेप्स और ट्रिक समझाती है और फिर किंगमिंग और शेनहुआ टीम में मैच स्टार्ट होता है। वहां पर चूरेन भी आया होता है। किंगमिंग और शेनहुआ टीम दोनों ही एक एक कर गोल कर रही थी, पर किंगमिंग टीम के गोल कम थे। फिर कोच सोनन के समझाने के बाद किंगमिंग टीम का जुन काफी स्कोर बना लेता है, पर इसी बीच लिंगजोन और जुन में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है क्योंकि जुन टीम के साथ खेलने के बजाय अकेले खेल रहा था। सेकंड हाफ के लिए सोनन उन्हें अपोजिट टीम से 1-on-1 फाइट करने को कहती है, यानी हमारी टीम का एक प्लेयर दूसरी टीम के एक प्लेयर को कवर करेगा ताकि गोल करना इजी हो। इस ट्रिक का यूज करके किंगमिंग टीम जीत जाती है। सब खुशी से गले मिलते हैं, पर सोनन किससे गले मिले क्योंकि जुन तो शर्मा कर चला गया था। जब वो सब जीतने की पार्टी कर रहे थे तब जुन वहाँ नहीं आता, पर चूरन सोनन को अपने साथ ले जाता है। इधर जुन कुछ सोच रहा होता है, इनफैक्ट जब पहले कोच ने चूरन को कैप्टन चुना था तो जुन ने इसलिए बास्केटबॉल टीम छोड़ दी थी। तभी जैंग उसे फोन कर बताता है कि चूरन भाभी को अपने साथ कहीं ले गया। इधर सोनन और चूरन अपने अपने ड्रीम की बात कर रहे थे। चूरन का ड्रीम था बास्केटबॉल खेलना, तो चाहे वो किसी भी टीम में हो, और सोनन का ड्रीम है किंगमिंग क्लब को बेस्ट बनाना। तभी स्पीड से कार चलाकर वहाँ जुन आता है। जैंग और जुन बाहर से ही चूरन और सोनन पर नजर रखे हुए थे। चूरन सोनन को फ्लावर बुके दे रहा था, पर जुन को बहुत जेलसी हो रही थी। पर हमें पता चलता है सोनन तो चूरन को अपना ब्रदर मानती है, तो वो पूछता है क्या तुम जुन को लाइक करती हो। पर सोनन मना करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। जब वो फ्लावर्स लेकर आ रही थी वहाँ जुन खड़ा था जो क्लब छोड़ने को कहता है। वो उसे रोकती है पर वो बिना कुछ बताए चला जाता है। इस बात की वजह से सोनन को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो सबको बताती है कि 2 महीने बाद उनका शेनहुआ की ऑफिशियल टीम से मैच होगा, तो अब बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, पर उन्हें न्यू प्लेयर ढूंढना होगा क्योंकि जुन क्लब छोड़ रहा है। तो जैंग कहता है जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कोच को दुश्मन के साथ नहीं देख सकता। सोनन कहती है पहली बात चूरन मेरे ब्रदर जैसा है, कोई दुश्मन नहीं। दूसरी बात मुझ में और जुन में सिर्फ कोच प्लेयर जैसा रिलेशन है, समझे। पर हमें मैच जीतना है तो मैं इस बार डेविल ट्रेनिंग करवाऊंगी। शेन हॉस्पिटल जाने के लिए लीव मांगता है तो वो कहती है शेन को छोड़कर बाकी सब आएंगे, स्पेशली लिंगजुआन, तुम पार्ट टाइम जॉब पर नहीं जाना, समझे, मेरी नजर रहेंगी तुम पर। इधर जुन के ग्रैंडपा उससे बात कर रहे थे तो सोनन उसे फोन करके क्लब ना छोड़ने के बारे में दोबारा सोचने को कहती है, पर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था तो वो पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो मुझे चूरन के साथ देखकर तुम क्लब क्यों छोड़ रहे हो। पर वो बिना बोले फोन काट देता है। फिर ग्रैंडपा जुन को अपने फ्रेंड की बेटी एना से मिलवाते हैं, पर एना तो उसकी फैन गर्ल थी और वो वहाँ भी जुन पर लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। जुन सोनन का फोन नहीं उठा रहा था तो लिंगजुआन उसे जुन को बार बार कॉल करने से मना करता है और इस बात को लेकर लिंगजुआन और टूटू में झगड़ा हो जाता है। तो लिंगजुआन गुस्सा हो चला गया था। ग्रैंडपा और एना के डैड उन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़ गए थे, तो एना उससे कहती है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है पर मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो क्लोज होने लगती है तो जुन सोनन का फोन उठा लेता है। तभी वहाँ सोनन आ जाती है और गुस्सा करती है कि वो उसका फोन उठाने के बजाय एना के साथ घूम रहा है। जुन कहता है सॉरी आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। एना सोनन को कहती है तुम्हारा जुन के साथ का रिलेशन है। तो सोनन समझ जाती है कि जुन चाहता है कि वो उसकी एना से छुटकारा पाने में हेल्प करे और इसमें उसका भी फायदा है कि वो इसके बदले जुन को क्लब नहीं छोड़ने देगी। तो वो जानबूझकर जुन के साथ फ्लर्टी होने का नाटक स्टार्ट कर देती है और वो भी पूरा साथ देता है।
पर ऐना को पहले विश्वास नहीं आता, तो ऐना को यकीन दिलाने के लिए सुनयन जुन को किस कर देती है। वो शॉक था तो ऐना गुस्सा हो चली जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा चूरन के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं और चूरन सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो कहता है तुम्हारा चूरन के साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या। वो कहती है अगर चूरन की बात नहीं है तो तुम क्लब क्यों छोड़ रहे हो, कहीं तुम्हें शैनुहा से हारने का डर तो नहीं, प्लीज वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है अभी तुमने मेरी हेल्प की थी, इसी के बदले हाँ कर रहा हूँ। तो वो खुश होकर उसके गले लग जाती है। फिर रात में जुन अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था तो सुनयन आकर उसे कहती है तुमने लगभग एक साल से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही, इसलिए तुम मैच में नर्वस हो जाते हो। वो कहता है बताने के लिए थैंक यू, पर मैं अभी भी अकेले खेलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, पर अगर तुम खुद को 3 बार स्टूपिड कहोगे तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो उसे मनाने के लिए सुनयन को खुद को 3 बार स्टूपिड कहना पड़ता है और वो हाँ कर देता है। लिंगजुआन के पैर में चोट लग गई थी और वो क्लब छोड़ने को कह रहा था क्योंकि कल रात वो पार्ट टाइम जॉब से लेट हो गया था और तब तक बॉयज डॉर्म बंद हो गया था, इसलिए वो बास्केटबॉल कोर्ट में सोने की सोचता है। पर जब वो वहाँ सोता है तो उसे भूतनी दिख जाती है, तो वो डर के मारे भाग लेता है पर पैर मुड़ने से गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह को जब उसकी आँख खुली तो वो चल भी नहीं पा रहा था। सुनयन कहती है भूत भूत नहीं होते, ये तुम्हारा वहम होगा, अगर भूत होगा भी तो वो कोई इंसान होगा, इसलिए वो सब प्लेयर्स को मिलकर आज रात उसके साथ बास्केटबॉल कोर्ट में भूत ढूंढने को कहती है। पर भूत का नाम सुनते ही सब बहाने बनाने लगते हैं, तो जुन कहता है आज मेरी क्लास है, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि उसकी तो कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सुनयन जेंग और फेंग को बास्केटबॉल कोर्ट का बाहर से ही ध्यान रखने को कहकर खुद जुन के साथ कोर्ट के अंदर आती है। पर दोनों उड़ते हुए पेपर को देख कर ही डर जाते हैं। वो कहती है तुमने तो कहा था तुम भूतों से नहीं डरते। वो कहता है हाँ पर तुम तो भूत से भी ज्यादा डरावनी हो। और फिर दोनों एक जगह बैठकर भूत का वेट करते हैं, पर दोनों को ही बैठे बैठे नींद आ रही थी। इधर टूटू लिंगजुआन के लिए सूप बनाकर लाई थी, पर वो कहता है कहीं इससे मुझे डायरिया तो नहीं होगा। वो कहती है नहीं, इसे पीते ही तुम आराम से सो जाओगे और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो उस पे कुछ टाइम के लिए भरोसा कर पी ही लेता है, पर उसे बाद में लूज मोशन हो जाते हैं तो वो उस पे गुस्सा होता है, पर टूटू को थका देखकर उसे अपनी जगह सुला देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद नर्स आकर कहती है तुम कपल को क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ खुद की छोड़ का भी ध्यान रखो। सुबह में जुन उठकर सोचता है मैं ऐसी जगह पर कैसे सो गया, मुझे तो इंसोम्निया है, क्या इसकी वजह से। सुनयन के पीछे से अपना हाथ निकालता है, वो गिरने वाली थी तो वो पकड़ लेता है। पूरी रात वेट करने के बाद भी वो भूत को नहीं पकड़ पाए थे, इसलिए उन्हें बार बार हर रात बास्केटबॉल कोर्ट में आना पड़ रहा था, पर भूत उनके हाथ नहीं आता। वो उसके कंधे पर सरक सो गई थी तो वो उसे देख स्माइल करता है और फिर रात में भी खुद उसके कंधे पर सरक सो जाता है। इधर टूटू फिर से उसके लिए सूप बनाकर लाई थी, पर वो उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि उसने क्लब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, तो वो उसके लिए सूप वहीं रख जाती है जिसे वहीं बैठा दूसरा पेशेंट पीने वाला था। पर लिंगजोन को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे लेकर खुद पी लेता है। सुनयन उसे कहती है अगर हम आज रात भूत नहीं पकड़ पाए तो हमें कुछ करना होगा, अब रोज तो हम यहाँ सो नहीं सकते। तभी जेंग स्लीपिंग बैग लेकर वहीं आ जाता है क्योंकि जुन को इंसोम्निया था, पर यहाँ सोने से उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई थी। जुन सुनयन को स्लीपिंग बैग में सोने को कहता है। टाइम पास करने के लिए वो उससे बात करने को कहती है पर वो नहीं मानता, पर फिर बातें करने लगता है। तभी वो भूत को भागते देख लेती है तो सुनयन उसके पीछे भागती है और जुन लैंप लेकर उसके पीछे। सुनयन भूत को पकड़ लेती है पर भूत तो ऐना निकलती है, तो सब हैरान होते हैं। जुन ने ऐना को घर छोड़ने के लिए फेंग को कह दिया था और फिर सुनयन से कहता है शैनहुआ से जीतने के लिए हमें साथ में काम करना होगा। पर फिर जुन के घर जाने की बारी आती है, पर उसे तो बास्केटबॉल कोर्ट में सोने में ज्यादा मजा आता था, पर उसे बाय का जाना ही पड़ता है, इसलिए जुन और सुनयन को अपने बेड पर नींद ही नहीं आ रही थी। इधर टूटू लिंगजुआन का ख्याल रख रही थी और उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर लाती है और दोनों एक दूसरे को देख स्माइल भी करते हैं। फिर लिंगजुआन बिल्कुल ठीक होकर क्लब में वापस आ जाता है। कोच सुनयन कहती है लिंगजुआन अभी अभी ठीक होकर वापस आया है, तो डेविल ट्रेनिंग बाद में होगी, तो अब तुम सबकी लव ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम सबके एक दूसरे से हाथ बांध दिए जाएंगे ताकि हर काम साथ में करना पड़े। जेंग फेंग और शेन एक ग्रुप में होंगे और जुन और लिंगजुआन एक ग्रुप में। पर लिंगजुआन को जुन के साथ एक ग्रुप में होने से त्रास था, पर उसे फिर कोच की बात माननी पड़ती है और उन सबके हाथ एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं और डिसाइड होता है कि हाफ टाइम लिंगजुआन का होगा और हाफ टाइम जुन का। इसलिए जुन लिंगजुआन के साथ पार्ट टाइम जॉब करता फिर रहा था, पर गर्ल्स जुन की फोटो खींच रही थी
तो लिंगजोन कहता है फोटो खींचने के $20 लगेंगे। यानी लिंगजोन यहाँ पर भी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। सुनियन दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। इधर शेन जेंग और फेंग को अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने ले आया था, पर वो भी चूहे का। तो ये देख जेंग को तो उल्टी आ जाती है, और फिर बाद में पी भी, पर पी हो ही नहीं रहा था तो फेंग उसके लिए सीटी बजाता है। फिर जुन लिंगजोन को खाने के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आया था। इतनी महंगी डिशेस होने की वजह से लिंगजोन कुछ भी ऑर्डर नहीं करता, पर जुन अपने लिए बहुत अच्छी डिशेस ऑर्डर करता है, जिसे देख देख लिंगजोन के मुंह से पानी छूट रहा था। पर फिर जुन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें कपल फूड दे दिया था। उन दोनों को साथ में खाना खाते देख सुनियन खुश होती है कि उसकी ट्रेनिंग काम कर रही है। 7 बजते ही लिंगजोन खुद को जुन से आजाद कर चला जाता है, पर वहाँ सुनियन को सोता देख जुन कहता है तुम मेरा हमेशा पीछा क्यों करती हो। पर सुनियन नींद में कहती है टेस्टी ड्रमस्टिक, और जुन की टांग पर ड्रमस्टिक समझ काट लेती है। वो हैरान सुनियन की आंख खुल जाती है और जुन उसे घूर रहा था, तो वो कहती है सॉरी मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने जानबूझकर नहीं काटा। और फिर वहीं से स्वीट पोटैटो लेकर खाने लगती है और जुन को भी खाने को देती है। पहले तो वो मना कर देता है, पर उसके बार बार कहने पर खा लेता है वो भी सारा। बेचारे को स्वीट पोटैटो खाकर लूज मोशन हो गए थे, तो उसे सुनियन पर गुस्सा आ रहा था। जब सुनियन को पता चलता है कि जुन को फीवर है, तो वो चुपके चुपके बॉयज रूम में आकर उसकी केयर करने लगती है। उसे जागता देख कहती है मैं तो बस चेक कर रही थी। मेडिसिन खाने से जुन को साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए वो मेडिसिन खाने से मना कर देता है। तो सुनियन इंटरनेट पे से देखकर उसके लिए अपने हाथों से काढ़ा बनाती है, पर तभी वहाँ आंटी आ जाती हैं और बॉयज रूम में गर्ल्स का आना मना था, इसलिए वो उसे जाने को कहती हैं, तो वो चली जाती है। इधर किंग में आने के लिए डिंग को पनिशमेंट मिली होती है और उसे टीम से निकाल दिया गया था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद के ही चोट मार लेता है, इसलिए चूरन उसे टीम में वापस रख लेता है। लव ट्रेनिंग काफ़ी काम कर गई थी, इसलिए अब कपड़े एक्सचेंज करने की ट्रेनिंग थी। पहले तो लिंगजोन और जुन एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करने से मना कर रहे थे, पर फिर मान जाते हैं। उन सब ने बढ़िया काम किया था, इसलिए उनके रिबन खोल दिए जाते हैं। अपनी हॉस्पिटल में केयर करने के लिए लिंगजोन टूटू को गिफ्ट देता है, तो वो ले लेती है। फिर जैंग कहता है क्यों ना रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पार्टी करें, मेरा भाई जुन इसका अरेंजमेंट कर देगा। सब राजी हो गए थे और फिर नेक्स्ट सीन में सब स्विमिंग के मजे ले रहे थे। सुनियन को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो स्विमिंग सीखने के लिए स्विम रिंग पहन लेती है। जुन जो वहीं खड़ा था स्विमिंग नहीं कर रहा था। सुनियन अपनी स्विम रिंग से बाहर आ गई थी, इसलिए वो डूबने वाली थी, तो जुन स्विमिंग पूल में जंप करके सुनियन को बचा लेता है और कहता है क्या तुम स्टूपिड हो, पर वो उस पर कुल्ला कर देती है, तो सब हंस पड़ते हैं। जैंग जुन को 99 रोजेस और वायलिन के साथ सुनियन को लव कन्फेस करने का आइडिया देता है, तो जुन स्माइल कर रहा था। और फिर केक और फ्लावर्स लेकर सुनियन के पास आता है, पर कहता है मैंने सुना है तुम्हें रोज बहुत पसंद है, वैसे ही जैंग लेकर आया है, कंग्रेचुलेशन तुम्हारे ड्रीम्स के लिए, ले लो। वो लेकर थैंक यू करती है, तो जुन क्लास का बहाना मार चला जाता है। सबको समझ नहीं आ रहा था कि जुन ने अभी लव कन्फेस किया था या कुछ और। बेचारी सुनियन। जैंग उसे कहता है तूने सब पे पानी फेर दिया। सबके जाने के बाद सुनियन अकेली थी, पर लाइट चली जाती है और उसे ना ही अपना फोन और ना ही बैग मिल रहे थे। पर तभी कोई उसे लाइट दिखाता है, जिससे उसे बैग मिल जाता है, और वो था जुन, जो अपना हाथ आगे करता है। वो पकड़ती है तो वो उसे अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तो वो स्माइल कर कहता है बहुत हुआ अब चलो, और दोनों हाथ पकड़कर घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चूरन सुनियन से मिलने आता है, पर वो वहाँ नहीं थी, तो शैन उसे छोड़ने जाता है क्योंकि सुनियन जुन के साथ थी। तभी वहाँ सुनियन का बड़ा सा पोस्टर खुलता है, जिसपे जुन का लव कन्फेस किया गया था। वो जुन को देखने लगती है और वो उसे प्रिंसिपल उन तीनों को ही डांट रही थी स्कूल में खुल्लम खुल्ला लव कन्फेस करने के लिए, क्योंकि ये प्लान जैंग का था। इधर डिंग किंगमिंग कॉलेज को लाउडस्पीकर पर मैच के लिए ओपन चैलेंज कर देता है, तो चूरन शेन को किंगमिंग पर गिव अप करने को कहता है, क्योंकि इस पर शेन और टीम को वो अरेंज करेगा। पर शेन किंगमिंग पर गिव अप करने से साफ इनकार कर देता है। सुनियन को गुस्से में देख जुन कहता है ये जैंग ने किया है, उसने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया, मैं खुद भी विक्टिम हूँ। वो कहती है इसका मतलब तुम्हारा लव कन्फेस करने का मतलब नहीं था। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें कुछ और कहना है। वो कहती है मुझे कहना है आज से तुम और जैंग स्टेडियम का सारा कचरा साफ करोगे। पर जाती हुई स्माइल कर रही थी बेचारा जुन।
जिनके सुनियन के पोस्टर में लव कन्फेस करने वाली फोटो वायरल हो जाती है, जिससे एना चिड़ी हुई थी। जब टूटू सुनियन से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है, भला कोच अपने प्लेयर से कैसे प्यार कर सकती है। वो कहती है, ये टीचर स्टूडेंट का लव अफेयर थोड़ी ना है, तो क्यों नहीं हो सकता। और फिर बताती है कि प्लेयर पर इतना खर्चा हो गया है कि अब हम कर्जे में डूब गए हैं, इसलिए सुनियन चिंता में थी। और फिर लिंगजुआन से पैसे कमाने का तरीका पूछने आती है। वो कहता है, तुम इतनी स्ट्रांग हो, क्यों ना ब्रिक्स उठाने का काम कर लो। पर ब्रिक्स वाले सुनियन को नहीं रखते, तो टूटू से जुन की हेल्प लेने को कहती है, पर वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी। सुनियन बॉक्स उठा रही थी तो जुन उसे रोक कर उसकी हेल्प करने को कहता है, पर एक इंडिपेंडेंट लड़की किसी की हेल्प नहीं लेती। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे दूसरे बॉयज देख कर रोमांटिक समझ लेते हैं। जुन सुनियन को जबरदस्ती कंधे पे टांग कर अपनी कार में बिठा कर कहता है, मैं किंगमिंग टीम के लिए स्पॉन्सरशिप करूंगा। वो कहती है, स्पॉन्सरशिप ठीक है, तो मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर सुनियन उसे सब प्लेयर्स की न्यू ड्रेसेस दिखाकर थैंक यू करवाती है और जुन को टी शर्ट पहना देती है। और फिर सब फोटोज खिंचवाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़का वेट कर रहा था, वो भी एना का, जिसका नाम लुए है। और हमें पता चलता है लुए शेनहुआ टीम का पुराना कैप्टन रह चुका है, पर वो जुन का फ्रेंड भी है, इसलिए एना उसे जुन के क्लोज होने के लिए हेल्प मांगती है। तो वो हाँ कर देता है क्योंकि वो एना को लाइक करता है। तो एना कुछ गर्ल्स के साथ किंगमिंग टीम की चीयरलीडिंग टीम बना लेती है, जिसे देख फैंग बहुत खुश होता है। जुन को इस चीयरलीडिंग टीम से एतराज था, पर सुनियन को तो कोई एतराज नहीं था। तो जुन कहता है, तुम बाद में पछताओगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एना वहाँ लाइव स्ट्रीम कर रही थी और ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखकर जेंग और फैंग तो गेम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। वहाँ बहुत सारी फैन गर्ल्स अंदर घुस जाती हैं, तो सुनियन की हालत देख जुन हंस पड़ता है। इन सब से तंग आकर सुनियन एना को कहती है, तुम मैच में उन्हें चीयर करना, प्लीज ट्रेनिंग में डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है, पर अब क्या फायदा, अब तो सबको पता चल गया कि ट्रेनिंग यहाँ हो रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुन लुए को कहता है, क्योंकि उसी ने एना को चीयरलीडिंग टीम को ज्वाइन करने का आइडिया दिया था। फिर वो सब ट्रेनिंग करने के लिए लुए के प्लेस पर आते हैं, पर सब कहते हैं, लुए तो हमारी दुश्मन टीम का कैप्टन है। जुन कहता है, पर अब नहीं, उसने शेनहुआ टीम छोड़ दी और वो मेरा फ्रेंड भी है। फिर उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लुए उनके लिए ऑरेंज जूस लेकर आता है, टूटू उसे लेने वाली थी, पर ये देख लिंगजुआन उसे छीन लेता है। लुए सुनियन को जुन की गर्लफ्रेंड समझ रहा था, तो जुन कहता है, चल मेरे साथ, तू कुछ ज्यादा जानता है। डिनर टाइम पे टूटू लुए को हैंडसम कहकर उसका थैंक यू करती है, तो लिंगजुआन कहता है, मुझे तो एक बार भी हैंडसम नहीं कहा, वैसे भी तुम कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मुझे क्या। सुनियन का श्रिम्प खाने का मन कर रहा था, पर वो खुद से ले नहीं रही थी, तो जुन उसे खुद से श्रिम्प उठाकर सर्व करता है। ये देख सब हैरान थे। इधर एना देखती है, आज कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं है, पर जब उसे पता चलता है कि सुनियन और जुन एक ही छत के नीचे हैं, तो वो गुस्सा होती है। और फिर लुए की प्लेस पर पहुंच जाती है। एना जुन से बात करने की हर कोशिश कर रही थी, पर जुन तो सिर्फ सुनियन से ही बात कर रहा था। तो एना अपना गुस्सा सुनियन पर दिखाने लगती है, इसलिए जुन एना को अपने साथ अकेले मिले जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी रिश्वत के बारे में पता है, तो अब से ट्रेनिंग में इंटरफेयर मत करना। एना को लगता है रिश्वत वाली बात तो सिर्फ उसे और सुनियन को पता थी, यानी सुनियन ने ही जुन को बताया होगा। लुए जुन को कहता है, तू सच में सुनियन को लाइक करता है। वो कहता है, अगर मैं उसे लाइक करूंगा तो तेरे लिए तो और भी अच्छा है, तेरे और एना के लिए। डिनर टाइम पर एना गुस्से में थी और फैंग उसे ही देखे जा रहा था, जब जुन अपने हाथों से सुनियन को श्रिम्प सर्व करता है, तो वो कहती है, थैंक यू, मैं खुद से ही ले सकती हूँ। पर ये देख एना गुस्सा हो चली जाती है, पर फैंग उसे अब भी देखे जा रहा था। फिर रात में लुए सबको बताता है कि एना अभी तक घर नहीं लौटी, कितनी रात हो गई, शायद वो कहीं खो गई होगी और अपना फोन भी यहीं छोड़ गई। तो सब उसे ढूंढने निकलते हैं। इधर एना अकेली रास्ते में भटक गई थी, सुनियन और जुन भी उसे ढूंढने आते हैं, पर गलती से कार की कीज कार के अंदर ही रह गई थी, तो दोनों को पैदल चलना पड़ता है। सुनियन को ठंड लगते देख वो उसे अपना कोट पहना देता है, पर उसे भी ठंड लग रही थी तो वो उसे वापस पहना देती है और जुन उसे अपने करीब कर लेता है। इधर एना अकेली बैठी डर रही थी, तभी लुए फैंग और जेंग उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं, पर एना तो उन्हीं पर गुस्सा होने लगती है। जुन को ठंड ना लगी इसलिए सुनियन उसे जोक सुना रही थी, पर वो कहता है, मैं तुम्हें पोस्टर वाले दिन कुछ बताना चाहता था। पर तभी वो सब आ जाते हैं। जुन ने सुनियन का हाथ पकड़ा था, ये देख एना गुस्से में थी। फिर हमें पता चलता है कि लुए में एक टैलेंट है कि वो किसी भी प्लेयर की यूनिक स्किल को कॉपी कर सकता है।
इसलिए वो उन सब से एक एक करके मैच कर शेनहुआ टीम के प्लेयर की कॉपी करता है ताकि इसे देखकर किंगमिंग टीम की स्किल इम्प्रूव हो सके। पर वो सब हार जाते हैं और फिर जुन की बारी आती है। लुए जाओजी की कॉपी करता है जो शेनहुआ टीम का कैप्टन है और वो बहुत फास्ट भी है, पर जुन उससे बॉल छीन कर गोल कर देता है तो सब खुश होते हैं। अपोजिट प्लेयर की स्किल्स देख कर सूनियन इतना तो समझ आती है कि उनकी टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए वो सबको जीतने का मेथड बताती है। इधर चूरन शेनहुआ के कैप्टन जियाजी को गोल करने का अपना एक मेथड सिखा रहा था। ये देख डिंग जियाजी को चैलेंज करता है पर जियाजी उसे बुरी तरह हरा देता है। सूनियन सैड थी इसलिए ड्रिंक करने जा रही थी तो जुन उसे रोक कर उसके लिए टी लेने जाता है और टल्ली सूनियन भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, थैंक यू, अगर तुम ना होते तो बास्केटबॉल क्लब ना बन पाता। बताओ क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? वो सिर हिलाता है। वो कहती है, तो तुमने पोस्टर पर मेरी अगली वाली फोटो क्यों लगाई? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले ये बताओ तुम मुझे उस दिन क्या बताने वाले थे? वो कहता है, आई लाइक यू। पर वो तो सो गई थी तो वो हंस पड़ता है। नेक्स्ट डे वो सब लुए की प्लेस से चले जाते हैं। सूनियन टूटू को बताती है कि शायद मैं जुन को लाइक करती हूँ, तो टूटू उसे रेडी होकर जुन से मिलने को कहती है। पर सूनियन को स्कर्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो जुन मैसेज करता है, तुम चाहे कुछ भी पहनो क्यूट लगती हो। और एक दूसरे को देखकर दोनों स्माइल करते हैं। पहली बार कोच को स्कर्ट में देख सब हैरान थे क्योंकि वो तो जुन के लिए रेडी होकर आई थी। फिर वो सब प्लेयर्स मैच खेलते हैं पर जुन गोल करने के बाद सूनियन को देख स्माइल करता है तो टूटू कहती है, मैंने सुना है गोल करने के बाद लड़का जिसे सबसे पहले देखता है उसे ही वो लाइक करता है। तो सूनियन स्माइल करती है। वो कहता है, क्या तुम मेरी वीडियो बना रही थी? वो कहती है, नहीं तो तुम्हारी क्यों, सबकी बना रही थी। पर वो फोन लेने के बजाय उसका जूठा पानी लेकर पीने लगता है तो सूनियन शर्मा कर जल्दी से ट्रेनिंग खत्म करके भाग जाती है। प्लेयर्स कहते हैं, कहीं आज कोच ने गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली, हमेशा तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाती थी। तभी वहाँ ऐना अपने फ्रेंड्स के साथ आने लगती है और जुन का पसीना साफ करने को कहती है पर वो मना कर चला जाता है। चूरन टूटू से सूनियन का हालचाल पूछता है तो वो कहती है, सूनियन अपने बॉयफ्रेंड जुन के साथ बहुत खुश है और शायद डेट पर भी गए हैं। ये जान वो सैड हो जाता है। इधर सूनियन और जुन घूमने आए थे और वो वहीं पर बास्केटबॉल गेम खेलते हैं, पर जुन जीत जाता है और नया रिकॉर्ड बना देता है। पर तभी किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वो था चूरन। तो फिर चूरन और जुन दोनों बास्केटबॉल गेम खेलते हैं पर अंत में दोनों के बराबर स्कोर होते हैं। फिर सुन सूनियन को अपने साथ ले जाता है, वो दोनों डिस्टर्ब ना हो इसलिए टूटू उनके साथ नहीं जाती। ऐना चूरन से कहती है, तुम सूनियन को लाइक करते हो ना और मैं जुन को, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। इधर टूटू उससे पूछती है, तेरे और जुन में कोई बात पड़ी ना पड़ी? वो कहती है, नहीं, हमने सिर्फ साथ में वीडियो गेम खेली, हम डेट थोड़ी ना कर रहे हैं और उसने अभी तक नहीं कहा कि वो मुझे लाइक करता है। टूटू कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐना तुम दोनों में कबाब की हड्डी बन जाएगी, तुझे कुछ करना होगा। ऐना ने सबको डिनर पर इनवाइट किया था और वहाँ चूरन भी आता है जो टूटू को उठाकर खुद सूनियन की साइड में बैठ जाता है। यानी ये ऐना और चूरन का प्लान था। चूरन सूनियन को चीयर कर ड्रिंक करने को कहता है पर तभी जुन सूनियन को रोक देता है। तो टूटू चूरन के साथ ड्रिंक चीयर करने वाली थी पर उसे लिंगजोन रोकता है, लेकिन टूटू फिर भी पी लेती है। वेटर सूनियन से टकराने वाली थी तो चूरन प्लेट पकड़ता है पर जुन सूनियन को ही अपनी तरफ खींच लेता है जिससे ऐना चिढ़ जाती है। फैंग कहता है, कोच वेटर से टकराने वाली थी। वो कहती है, तुम चुपचाप सिर्फ अपनी फिश खाओ। फैंग कहता है, ऐना को मेरी चिंता हो रही है, अब तो मैं और फिश खाऊंगा। चूरन सूनियन को श्रिम्प सर्व कर रहा था जो जुन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो उसके लिए 10 प्लेट श्रिम्प ऑर्डर करता है। इस बात को लेकर चूरन और जुन में बहस हो जाती है और सूनियन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जब सूनियन और टूटू वॉशरूम में गई थी तो ऐना सूनियन की सीट पर आकर बैठ जाती है। इधर टल्ली टूटू कहती है, तू और चूरन तो ब्रदर सिस्टर जैसे हो, तो चूरन जेलस क्यों था? वो कहती है, मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। टल्ली टूटू कहती है, तू तो कितनी फेमस है, दो हैंडसम लड़के तेरे पीछे पड़े हैं पर मुझे कोई लाइक नहीं करता। तभी वो गलती से किसी लड़की पर वॉमिटिंग कर देती है जो उनसे पैसे मांगती है। इधर जुन ऐना को सूनियन की सीट से उठने को कहता है पर वो कहाँ सुनती है। तभी चूरन कहता है, ऐना तेरे साथ अच्छी लगती है जुन। जुन कहता है, लगता है तुझे लव के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। बात ऐना की हो रही थी इसलिए फैंग को बुरा लग रहा था। लिंगजुआन कहता है,
ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोच के लिए लड़ रहे हैं। टूटू टल्ली हो गई थी तो सुनियन लिंगजुआन को टूटू को स्कूल छोड़कर आने को कहती है। चूरन को सुनियन के साथ टैक्सी में जाता देख जुन अपनी कार में जाने के बजाय उनके साथ ही टैक्सी में बैठ जाता है और सुनियन को यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर टल्ली टूटू टकराकर अपनी चोट मार लेती है और लिंगजुआन को टिश्यू देकर कहती है, ये लो पैसे और लो पैसे, मैं तुम्हें पैसे देना चाहती थी पर तुम गुस्सा होते, तुम्हारी इतनी सारी मिल्क टी पीकर मैं मोटी हो गई, अब कोई मुझे लाइक नहीं करता। वो कहता है, तो तुमने जानबूझकर मिल्क टी ऑर्डर की थी। वो कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हें ऑर्डर करने से कमीशन मिलता है, प्लीज तुम इतनी मेहनत मत करो, और सो जाती है। इधर सुनियन सो गई थी और चूरन घर जाता है तो जुन उसे टाटा कर देता है और फिर सुनियन को सोता देख वो सोचता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। लिंगजुआन टल्ली टूटू को कंधे पर टांग कर ले जा रहा था तो वो कहती है, आई लाइक यू। ये सुन लिंगजुआन तो बिल्कुल हैरान था। ट्रेनिंग करते हुए एना और सुनियन जुन को वाटर बॉटल देने के लिए लड़ रही थी। जुन पहले तो एना की वाटर बॉटल ले लेता है पर सुनियन गुस्से में अपनी वाटर बॉटल छुपा लेती है। उसे जेलस देख जुन एना वाली बॉटल फैंग को दे देता है। सुनियन जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर फैंग एना को देखकर स्माइल करता हुआ वाटर पी लेता है। जुन सुनियन की वाटर बॉटल लेकर पानी पीकर कहता है, अगली बार से मुझे पानी के लिए ज्यादा इंतजार मत करवाना, जब तक मैं प्रैक्टिस करूं तब तक मेरे लिए वाटर बॉटल पकड़ के रखो। तो वो बहुत खुश होती है। सुनियन इंग्लिश के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी इसलिए मामू से डांटती हैं और गुस्सा होती हैं कि वो भी अपने डैड की तरह बास्केटबॉल क्लब बनाकर ट्रेनिंग करवा रही है। सुनियन उन्हें उस पर ट्रस्ट करने को कहती है तो मॉम कहती हैं, तो ठीक है तुम्हें सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे वरना क्लब छोड़ना होगा। तो सुनियन अपनी फेवरेट चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है जो था सोना। जब सुनियन पढ़ती हुई सो गई थी तो फैंग उसकी फोटो खींचकर सब टीममेट्स को सेंड कर देता है। जिनको यकीन था कि सुनियन तो पास होने वाली है नहीं तो क्लब को बचाने के लिए उसे उसकी हेल्प करनी होगी इसलिए वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया था तो वो खाने लगती है। वो रोक के कहता है, एक पेज लर्न करने पर एक स्नैक्स मिलेगा। वो हाफ पेज याद करके कहती है, क्या मैं हाफ पेज पर एक चिकन विंग खा सकती हूँ, पर वो मना कर देता है और फिर उसे सोता देख उसके फोरहेड पर किस करता है। वो जाकर कहती है, तुम मेरे इतना क्लोज क्यों थे। वो कहता है, अगर तुम इस पर एग्जाम में पास हो गई तो हम इस पर डेट पर चलेंगे। वो बहुत हैरान थी पर तभी पूरे स्कूल की लाइट खराब हो जाती है तो स्टडी करने के लिए जुन उसे अपने रूम में ले आता है पर वहाँ पर लाइट थी क्योंकि उसका रूम VIP था। जुन उसे प्रैक्टिकल करके समझा रहा था तो वो उसकी बॉडी को टच करके देखने लगती है जिससे जुन नर्वस था। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से हटाकर भूख लगने को कहती है और बाद में स्माइल भी कर रही थी। वो उसके लिए नूडल्स बनाकर ले आया था जो सुनियन को टेस्टी लगते हैं तो वो उसे भी खिलाती है। वो कहता है, मैं हार्डवर्क करने वाली लड़की को रिवॉर्ड देता हूँ। वो कहती है, मैं तो तुम्हारी कोच हूँ। वो कहता है, पर अभी नहीं। वो उसे देख ही रही थी तभी जैंग फेंग और लिंगजुआन इम्पोर्टेंट काम करने आ जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट काम था फोन को चार्जिंग करना। पर सुनियन को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में सुनियन लिपस्टिक लगाकर जुन का वेट कर रही थी पर जुन को देखते ही जल्दी से लिपस्टिक छुपा देती है। वो उसके करीब हो कहता है, क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है। तो वो किस लेने के लिए आंखें बंद कर लेती है पर वो कहता है, वैसे आज तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। वो कहती है, मैंने धोए थे। सुनियन का एग्जाम हो रहा था और जुन आकर बाहर उसका वेट करता है। वो आकर उसे बताती है कि उसका पेपर मस्त गया तो डेट पर चले। इधर टूटू लिंगजुआन के पार्ट टाइम जॉब पर खुद जॉब कर रही थी तो बदले में ऑनर बताती है कि लिंगजुआन बहुत पुअर है, उसके डैड ने गैम्बलिंग करके बहुत कर्जा कर लिया था इसलिए लिंगजुआन बहुत मेहनत करता है। फिर टूटू सबके लिए मिल्क टी लेकर आती है पर कहती है, ये लिंगजुआन ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। वो उससे लिंगजुआन के बारे में पूछने लगे थे तो वो उसके डैड के बारे में बताने ही वाली थी तभी लिंगजुआन उसे खींचकर बाहर ले आता है और कहता है, तुम मेरी हेल्प करके मुझ पर दया मत दिखाओ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं, और चला जाता है जिससे टूटू गुस्सा हो जाती है। और फिर लिंगजुआन ट्रेनिंग में भी नहीं आता पर मैच होने में कम ही टाइम रह गया था इसलिए सुनियन थोड़ा परेशान थी तो जैंग और जुन लिंगजुआन को ट्रेनिंग में आने को कहते हैं। सुनियन को कल के मैच की चिंता में नींद नहीं आ रही थी और टूटू का लिंगजुआन से झगड़ा हो गया था तो उसे भी नहीं आ रही थी। फिर मैच वाला दिन आता है, वो सब लिंगजुआन का वेट कर रहे थे तभी वहाँ लिंगजुआन आ जाता है।
पर कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। फिर किंगमिंग और शेनहुआ में मैच स्टार्ट होता है। इस बार मैच टक्कर का था क्योंकि शेनहुआ की ऑफिशियल टीम को चूरा ने लीड किया था, पर किंगमिंग में जुन बॉल लिंगजुआन को पास नहीं करता इसलिए वो गोल नहीं कर पाते। एना उन्हें चीयर कर रही थी पर किंगमिंग टीम कोऑपरेशन से नहीं खेल रही थी, इसलिए शेनहुआ का कैप्टन जियाची बहुत अच्छा खेलता है पर जुन से अच्छा नहीं। बट फिर भी शेनहुआ के स्कोर ज्यादा थे इसलिए फर्स्ट हाफ के बाद जियाची सुनैन को छेड़ रहा था, जिससे सुनैन को गुस्सा जाता है और फिर वो किंगमिंग के प्लेयर्स को कोऑपरेशन से खेलने को कहती है। वो लिंगजुआन को टूटू के अर्न किए हुए कार्ड्स देकर कहती है, शायद तुम्हें बास्केटबॉल से ज्यादा पैसे कमाना ज्यादा पसंद है पर टूटू तुम्हें ज्यादा प्यार करती है। सबके जाने के बाद जुन सुनैन को हक करके एनर्जी लेता है। फिर सेकंड हाफ में किंगमिंग टीम कोऑपरेशन से खेलती है। जब लिंगजुआन गोल करता है तो टूटू उसके लिए बाइट हेड बनाती है। जुन के साथ साथ शेन भी बहुत अच्छे स्कोर बना रहा था पर तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो उसके बदले में कौन खेलता, इसलिए सुनैन शेन के बदले में आ जाती है। पहली बार फीमेल प्लेयर को देख सब लोग हैरान थे पर प्रिंसिपल खुश थी। एना भी सुनैन को चीयर अप करती है क्योंकि वो पर्सनल मैटर्स और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग समझती है। फिर लास्ट मिनट्स पे किंगमिंग सिर्फ एक स्कोर पीछे थी तो लिंगजुआन गोल करने वाला था, पर उसे टूटू की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उसका लिंगजुआन के लिए अफेक्शन खत्म हो गया, तो वो गिर जाता है पर सुनैन गोल कर देती है वो सब बहुत खुश थे। पर तभी जिया जी गोल कर देता है क्योंकि अभी कुछ सेकंड बाकी थे और शेनहुआ टीम जीत जाती है, तो जिया जी कहता है किंगमिंग टीम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी खेली। सुनैन हारने के बाद भी सबको चीयर अप करने के लिए डिनर पे चलने को कहती है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी। इधर एक लड़की जिसका नाम याओ है जुन के ग्रैंडपा से बातें कर रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि वो जुन से एक तरफा प्यार करती है पर जुन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। फिर ट्रेनिंग के बाद सुनैन टूटू से पसीना पोंछने के लिए टॉवल मांगती है, पर वो अपने और लिंगजुआन के लिए ऑनलाइन कपल टी शर्ट देख रही थी तो सुनैन कहती है पर तुम दोनों तो अभी कपल नहीं हो। वो कहती है फिर क्या हुआ, पैसे बचाने के लिए लिंगजुआन हमेशा सेम टी शर्ट पहनता है तो उसे डिस्काउंट बोलकर मैं ये टी शर्ट उसे दे दूंगी और सब समझेंगे हम कपल हैं। जुन भी उनकी बातें सुन रहा था तो नेक्स्ट डे सुनैन को पसीने में देख वो उसे अपना टॉवल दे देता है, जिसे देख टूटू कहती है अरे ये तो लवर्स की कपल टॉवल है। तो सुनैन स्माइल करके उसका थैंक यू करती है और बहुत खुश होती है। सुनैन सिर्फ डिनर पे जाने के लिए कपड़े चूज करने में बहुत टाइम लगा रही थी तो टूटू कहती है कहीं तुम्हारा डिनर के बाद जुन के साथ कहीं जाने का प्लान तो नहीं। वो कहती है गंदी पता नहीं क्या क्या सोच रही है, मैं अभी डिनर को चेंज करके ब्रेकफास्ट को कह देती हूँ सबको। फिर नेक्स्ट डे सुनैन रेडी होकर जुन से मिलने आती है, पर तभी वहाँ याओ आ जाती है जो जुन से कहती है ग्रैंडपा ने कहा है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और उसे जुन का हाथ पकड़ते सुनैन को बर्दाश्त नहीं होता पर जुन सुनैन का हाथ पकड़ कहता है ये मेरी। तभी सुनैन कहती है मैं इसकी कोच हूँ। दूर से याओ को देख एना कहती है मैं इसकी बजाय सुनैन को अपनी लव राइवल बनाना ज्यादा पसंद करूंगी। अरे हाँ दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो मुझे हेल्पर की जरूरत है। और सुनैन को याओ को भगाने के लिए साथ मिलकर काम करने को कहती है। याओ टीम को डिस्टर्ब न करे इसलिए वो भी मान जाती है, और फिर दोनों स्कूल गार्ड को बोलकर याओ की रॉन्ग पार्किंग कार को डिटेन करवा देती हैं। ये देख याओ गुस्से में थी। टूटू कहीं काम से कुछ दिनों के लिए जा रही थी, पर उसने अपने हिस्से के काम के लिए एक वॉलेंटियर को हायर कर लिया था, और फिर पता चलता है कि वो वॉलेंटियर तो और कोई नहीं याओ है जो सबको फ्री में शॉपिंग कार्ड गिफ्ट देती है। तो सुनैन सोचती है मैं तेरा अच्छे से वेलकम करूंगी, और वो दोनों सबके लिए पैक्ड लंच मंगवाती हैं और सूप भी। और फिर ट्रेनिंग खत्म होते ही कोर्ट की सफाई करने को कहकर साथ में ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करने को कहती हैं। तो जाओ इतने सारे काम में जुन को उसकी हेल्प करने को कहती है, पर जुन कहता है तुमने ही वॉलंटियर किया है वरना छोड़ दो, और वो चले जाते हैं। पर जाते हुए जुन सुनैन को साथ चलने का इशारा करता है तो वो भी एना को बहाना मार भागकर जुन के पास आ जाती है। जुन कहता है तुम उसे बता दो ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है नहीं हम उसके जाने के बाद सबको बताएंगे, तब तक छुपा के रखेंगे। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में एना वहाँ डॉगी ले आई थी जिससे याओ को एलर्जी थी क्योंकि एना ने ये जानबूझकर किया था, तो सुनैन उसे ऐसा करने से मना करती है। तो जुन याओ को बाहर ले जाता है और उसे बता देता है मैं सुनैन को लाइक करता हूँ तो तुम जा सकती हो। ये सुन याओ चिढ़ जाती है और सुनैन भी उनकी बातें छिपकर सुन रही थी।
सुनियन सारे पेपर्स में पास थी तो वो बहुत खुश होती है और वो जुन को भी मैसेज कर बताती है। मॉम को जब ये पता चलता है तो वो भी खुश होती हैं। इधर जुन ने फेस कवर कर रखा था पर सब गर्ल्स उसे हैंडसम कह रही थी और वो तो सुनियन से मिलने आया था। सुनियन चुपके चुपके उसे ब्रिज पर ले आती है क्योंकि उन्हें अपना रिलेशन सीक्रेट रखना था। जुन उसकी स्टडी में हेल्प करने के बदले उसे कुछ देने को कहता है और वो था किस, और वो उसे किस करने ही वाला था। तभी सुनियन को चूरेन का फोन आता है जो किंगमिंग और शैनुहा को साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है, पर चूरेन का नाम सुनते ही जुन वीडियो गेम खेलने के लिए मना कर देता है। फिर जैंग उसे याद दिलाता है कि चूरेन कोच के साथ अकेला होगा तो जुन कहता है मैं भी देखता हूँ चूरेन क्या करता है। इधर सुनियन और टूटू देखती हैं कि किंगमिंग टीम के प्लेयर्स स्टेशन से आ रहे हैं और शैनुहा टीम के प्लेयर्स भी स्टेशन से आ रहे हैं। शैनुहा का हैन टूटू को क्यूट कहता है तो लिंगसोन कहता है तू अपने काम से काम रख ले। तभी वहाँ जुन, लुए और एना भी आ जाते हैं और फिर वो सब वीडियो गेम खेलने आते हैं। जुन सुनियन और चूरेन को साथ में जाता देख एना जाने लगती है पर लुए उसे अपने साथ ले जाता है। टूटू को हैन के इतना करीब देख लिंगसोन को गुस्सा आ रहा था। इधर जुन और चूरेन की गन फाइटिंग चल रही थी और दोनों बराबरी पर थे तो सुनियन बोर होकर टूटू के साथ चली जाती है और वो दोनों उसके पीछे। चूरेन कहता है मैं किंगमिंग और शैनुहा का मैच फिर से करवाऊंगा क्योंकि मैं सुनियन को सैड नहीं देख सकता। जब सुनियन गिफ्ट में मिला हेयर बैंड चूरेन को देती है तो जुन जेलस था और उसे करीब कर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है समझे। चूरेन तो हैरान था ही, तभी बाकी सब भी आकर ये सुन लेते हैं। फिर हम देखते हैं सबने ही सेम हेयर बैंड पहन रखे हैं क्योंकि ये जुन का प्लान था। रात को सुनियन सोचती है जुन ने सबके सामने हमारे लव के बारे में बता दिया, मैं कोच हूँ कितने एम्बेरस हो रही हूँ। और फिर वो डैड की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा था अगर कोच और प्लेयर में लव होगा तो प्लेयर हॉर्मोन्स की वजह से मैच पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे जुन सुनियन को देखे जा रहा था पर वो उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन जुन ने उसे प्रपोज किया था पर सुनियन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था इसलिए सब उसका आंसर जानना चाहते थे। पर वो सबको ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहती है और फिर जुन को देख सोचती है मुझे खुद के हॉर्मोन्स पर भी कंट्रोल करना होगा और फिर सबकी पोजीशन सही करने लगती है। पर वो जहाँ भी जाती जुन उसके पीछे पीछे तो वो उससे दूर होती। फिर वो उससे अकेले में पूछता है तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, पर वो बहाना मार चली जाती है। जुन कहता है वो क्लियरली मुझे लाइक करती है पर छुपा क्यों रही है। जब वो उसके बार बार पीछे पड़ा हुआ था तो वो उसे कहती है एक कोच और प्लेयर में लव नहीं हो सकता क्योंकि ये टीम के लिए अच्छा नहीं तो हमारे बीच कुछ नहीं होगा, पर वो उसकी ना को एक्सेप्ट नहीं करता। चूरेन सुनियन से मिलने आता है तो जुन कहता है कोच को दूसरी टीम से बात करने के बजाय अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो कहती है ये मेरा ब्रेक टाइम है और वैसे भी प्लेयर को कोच की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं। इनफैक्ट वो जानबूझकर जुन के सामने रूट बन रही थी और जानबूझकर ही चूरेन के साथ चली जाती है। फिर सुनियन चूरेन को बार बार उससे मिलने के बजाय अपनी टीम पर ध्यान देने को कहती है, पर वो कहता है मुझे पता है तुम खुद का ख्याल रख सकती हो पर प्लीज मुझसे मिलने को मना मत करो। वो कहती है थैंक यू, तुम ब्रदर के नाते मेरा ख्याल रखते हो पर अब तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर तभी चूरेन को शैनुहा का कोच फोन कर बुला लेता है और कहता है अगर तू सुनियन से ऐसे ही मिलने जाता रहा तो मुझे तेरी पोजीशन किसी और को देनी होगी। लिंगसुआन ने टूटू को रिजेक्ट कर दिया था इसलिए उसकी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर हिम्मत कर आ जाता है। पर टूटू तो वहाँ नहीं थी तो वो जैंग से पूछता है मैं नहीं मेरा एक फ्रेंड है, तो वो कैसे पता लगाए कि वो उस लड़की को लाइक करता है या नहीं। पर जैंग तो उसे लव की फिलॉसफी समझाने लगा था तो वो इस बारे में जुन से पूछता है, पर जुन एक बार में समझ जाता है कि लिंगसुआन अपनी बात कर रहा है तो वो बताता है शायद मैं टूटू को लाइक करता हूँ। ये सुन जुन हैरान था। सुनियन रूफटॉप पर टूटू के बर्थडे की तैयारी कर रही थी तभी वहाँ जुन आकर उसकी हेल्प करता है। जब सुनियन रेलिंग पर खड़ी हो बैलून पकड़ने वाली थी पर उसे नीचे नहीं आया जाता तो वो उसे अपनी गोद में कूदने को कहता है। वो डरते हुए कूद जाती है पर वो इतना क्लोज थे कि वो सोचती है थैंक गॉड मैंने इसे किस नहीं किया। तभी जुन का हाथ मुड़ता है और सुनियन का जुन को किस हो जाता है और दोनों ही हैरान थे। फिर वो कहती है ये एक्सीडेंटल था मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर वो तो बहुत खुश हो रहा था और उसके करीब होने लगता है। सुनियन जो पीछे हो रही थी उसके पैर से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इधर याओ ग्रैंडपा को बताती है कि शायद जुन अपने कोच के साथ डेटिंग कर रहा है तो ये सुन ग्रैंडपा गुस्से में थे। इधर वो सब मिलकर टूटू को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं
तो वो कहती है, थैंक यू सोनियान, मेरी बेस्ट फ्रेंड लड़कों से ज्यादा रिलायबल है। और वो यहाँ लिंग्सवान को टॉन्ट कर रही थी। फिर लिंग्सवान टूटू से उस दिन टूटू के लव कन्फेस करने वाली बात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहाने बनाती है, मेरी टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही सबको लाइक करने लगती हूँ। तभी लाइट बंद होते ही सोनियान टूटू को लाइट ठीक करने भेज देती है, पर सोनिया ने ऐसा केक के लिए जानबूझकर किया था। टूटू नीचे लाइट ठीक करने आती है, पर वो पैर फिसलने से गिर जाती है और कहती है, टूटू तेरी कोई केयर नहीं करता। टूटू अभी तक नहीं आई थी तो लिंगसवान को उसकी चिंता हो रही थी और वो उसे ढूंढने जाता है, पर वो उसकी बातें सुन लेता है। टूटू कहती है, लिंगसवान तू मुझे लाइक नहीं करता ना, इसमें तेरा ही घाटा है, मुझे ठीक होने का नाटक करना पड़ रहा है, पर मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। तभी लिंगसवान अंदर आ जाता है और उसे गले लगा कर कहता है, आई लाइक यू टूटू। पर तभी सब उनकी बातें चुप चुप सुन रहे थे। लिंगसवान कहता है, इसमें मैंने तुम्हारे लिए जोक्स लिखे हैं, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया ना, तो जब तुम इन्हें पढ़ोगी तो हंस पड़ोगी, क्या तुम अब भी मुझे लाइक करती हो? वो हाँ करती है तो वो उसे गले लगा लेता है, पर तभी वो सबके सब क्लैप करने लगते हैं, जिससे टूटू शर्मा जाती है। फिर जुन सोनियान को भी उसके बारे में सोचने को कहता है, पर वो बहाना मार चली जाती है, पर ग्रैंडपा ने उसे उसके साथ देख लिया था। लिंगसवान ट्रेनिंग कर रहा था, पर टूटू फोन में किसी प्लेयर को हैंडसम कह रही थी, तो लिंगसवान जेलस हो रहा था। जब टूटू से बास्केटबॉल से गोल नहीं हो रहा था तो लिंगसवान उसे कंधे पर उठाकर नेट के पास से जाता है, तो वो आसानी से गोल कर देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, पर उसे उतारते टाइम लिंगसवान टूटू के ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिंगसवान कहता है, आई लव यू टूटू, और उसे एक किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जून ट्रेनिंग में नहीं आया था तो सोनियान उसे कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि ग्रैंडपा जून को घर पे ले आए थे और उस पर गुस्सा करते हैं कि वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी बास्केटबॉल खेल रहा है, वो भी एक फीमेल कोच के लिए। तो जून ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा कहते हैं, जब तक वो फीमेल कोच वहाँ है तुम बास्केटबॉल खेलने नहीं जा सकते। इधर एना से उन सबको पता चलता है कि जून को उसके ग्रैंडपा ने घर पे लॉक कर रखा है क्योंकि उन्हें उसका बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं। तो सोनियान सैड थी, चूरन उसे फोन कर दूसरा प्लेयर ढूंढने को कहता है, पर सोनियान को जून पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर वापस आएगा। एक कपल को साथ में देख सोनियान को जून की बहुत याद आ रही थी। इधर जून एलर्जी से बीमार हो गया था और फिर होश में आते ही फोटो देख कहता है, सोनियान तुम्हें मेरा और वेट नहीं करना पड़ेगा, जब मैं वापस आऊंगा पता नहीं तुम मुझे कैसे पनिश करोगी। टूटू और लिंगसवान को एक दूसरे को खाना खिलाते देख सोनियान का तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर प्रैक्टिस करते टाइम फैन के धक्के से शेन के हाथ में चोट लग गई थी, तो सोनियान उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। डॉक्टर शेन को उस हाथ का ज्यादा यूज करने से मना करते हैं और शेन का हाथ इतना वीक हो गया था कि उससे टेस्ट ट्यूब भी नहीं पकड़ी जाती, इसलिए वो सैड था। इधर सोनियान जून को कॉल कर रही थी, वो उठाकर उसे सब कुछ समझाता है, तो वो कहती है, मुझे पता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, सॉरी पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है, तुमने मुझे मिस किया? वो कहती है, हाँ सबने मिस किया तो मैंने भी। सिग्नल ना आने की वजह से फोन कट जाता है, पर जून अभी भी हंसे जा रहा था। और फिर बीमार होने का नाटक कर बॉडीगार्ड्स को डॉक्टर को बुलाने को कहता है, पर उन्हें भेजते ही खुद घर से भाग जाता है। बॉडीगार्ड्स उसके टैक्सी का नंबर देख लेते हैं, पर जून इतना चालाक था कि वो टैक्सी छोड़कर साइकिल से चला जाता है। इधर ग्रैंडपा बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा हो रहे थे और फिर जून के सारे बैंक कार्ड स्टॉप करवा देते हैं ताकि वो फाइनेंशियली वीक होकर घर वापस आ जाए। जून सोनियान के साथ होटल में रूम ढूंढने आता है, पर उसका तो कार्ड ही काम नहीं करता, तो सोनियान पेनीलेस जून को छोटे से किराए के घर में ले आती है और फिर उसे सब्जी बाजार में ताजी सब्जियां चूज कर मोल भाव कर सब्जी लेना सिखाती है। पर जून को तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो में अंतर भी नहीं पता था। जब वो जून के एप्रन बांधती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। फिर सोनियान घर की सफाई कर रही थी और इधर जून इंटरनेट पे से देखकर खाना बनाता है, पर खाना जला भी लेता है। फिर दोनों खाना खाते टाइम चेयर कर ड्रिंक करते हैं। जून कहता है, पिछली बार सिग्नल ना आने से हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो सोचती है, फिर से स्टार्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कौन बचाएगा मुझे, और बहाना मार ड्रिंक करने लगती है। वो कुछ कहता तो वो कहती है, हाँ मैंने मान लिया मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अब खुश? वो हंस के कहता है, मेरा मतलब था ड्रिंक स्टॉप कर दो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। पर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे सोनियान की नींद खुलती है तो वो जून के बेड पर थी और फिर लेट होने पर जल्दी से भागती है। टूटू से पूरी रात गायब होने का कारण पूछती है तो वो कहती है, मेरे और जून के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, सच में?
दो बॉयज सुनियन की बॉडी फिगर पर कमेंट कर रहे थे, जिससे जुन सुन लेता है तो उसे लात मार देता है। वो लड़का जुन को पे बैक करने को कहता है, तो जुन उसे अपनी एक्सपेंसिव वॉच देकर बदले में पीटने वाला था, पर तभी प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है। वो लड़का वॉच लेकर मामला सुलझा लेता है। सुनियन को जुन की चिंता हो रही थी तो जुन कहता है कल रात। ये सुनते सब सुनियन के बारे में बातें बनाने लगते हैं, तो जुन सुनियन को पकड़ कर किस कर देता है। वो शॉक में थी, बाकी सब हैरान थे। जुन कहता है सुनियन ने मुझे नहीं, मैंने सुनियन को पहले प्रपोज किया। तो टूटू बहुत खुश होती है। सुनियन शर्मा कर अपना फेस कवर कर रही थी तो वो उसे क्यूट कहता है और कहता है अब सबको पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम याद रखो जुन सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। जब वो दोनों एक दूसरे को पहले तुम नहीं पहले तुम जाने को कह रहे थे तो जैन कहता है ओहो पर तुम दोनों एक दूसरे के सामने हो, तो वो शर्मा कर चले जाते हैं। और फिर सब कपल साथ में बैठे थे, पर बेचारा फैंग जैन के साथ बैठा था। जुन की फैन गर्ल्स ऑनलाइन अभी भी सुनियन के खिलाफ कमेंट कर रही थी, पर सुनियन इतना तो जानती थी कि अब इतना फेमस बॉयफ्रेंड होगा तो इतना तो बियर करना पड़ेगा। ग्रैंडपा की वजह से जुन अब किमिन को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा तो वो सैड था। सुनियन कहती है नहीं तुम क्यों सैड हो, हम सब मिलकर काम करेंगे, चाहे अपनी बॉडी क्यों ना सेल करनी पड़े, मेरा मतलब एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन से स्पॉन्सर ढूंढना पड़े। लिंगजुआन किमिन के स्पॉन्सर को ढूंढने के लिए एड एडिट कर रहा था, जिससे वो थक गया था। तो टूटू से किस करती है तो वो इतना खुश होता है कि जल्दी जल्दी काम करने लगता है, पर उनको अभी भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक आदमी जुन को अपनी कंपनी का कार्ड देकर उसे अपनी फैशन मैगजीन के लिए मॉडल बनने को कहता है, वो भी 50,000 में। 50,000 सुनते ही जुन हाँ कर देता है। जब बाकी सबको इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं ऐसी फ्रॉड कंपनियां तो बॉयज गर्ल्स को चीट करके उनकी न्यूड फोटोज ले लेते हैं, लगता है इस बार हमारे हैंडसम जुन की बारी है। सुनियन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर सबके सब टेंशन में झाड़ू पोछा लेकर कंपनी में पहुंच जाते हैं, और कंपनी के अंदर आते ही गार्ड्स की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं। इधर जुन अपनी फोटोज खिंचवा रहा था तभी वो अंदर घुस जाते हैं। सुनियन कहती है तुम मेरी जुन का रेप करने वाले थे। जुन कहता है तुम सब यहाँ के कर रहे हो। वो कहती है हम यहाँ के कर रहे हैं। सुनियन और बाकी सबको एहसास होता है कि उन सब ने कंपनी को गलत समझ लिया था, तो वो उनसे सॉरी मांगते हैं। जुन के कहने पर कैमरामैन सुनियन को अंदर रुकने देता है और बाकी सब बाहर उनका वेट कर रहे थे। जब कैमरामैन जुन की फोटोज खींच रहा था तो सुनियन बहुत खुश हो रही थी। कैमरामैन जुन को फ्यूचर में भी उनके साथ काम करने को कह रहा था। तभी वहाँ कंपनी की चीफ एडिटर आ जाती है और जुन को टच करके उसे हैंडसम कह रही थी, फिर वो उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है। ये देख सुनियन को गुस्सा आ रहा था और कहती है तुम अपना बटन क्यों नहीं बंद करते। उसकी इतनी तेज आवाज सुन सब भगे भगे आ जाते हैं, पर चीफ एडिटर जुन से कहती है मैं तुम्हें 80,000 देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। जुन कहता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड हाँ करेगी तभी मैं साइन करूंगा। सुनियन सोचती है अगर मैंने मना किया तो किंगमिंग की स्पॉन्सरशिप कैसे होगी, पर मैं उसके लिए अपने हस्बैंड को नहीं बेच सकती, और ऊपर से जुन को भी मुझ पे भरोसा है। वो सब उससे पूछते हैं तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, तो सब बहुत खुश होकर क्लैप करते हैं और फिर चले जाते हैं। कैमरामैन और चीफ एडिटर दोनों हैरान थे, पर उन सबके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो थी किंगमिंग की स्पॉन्सरशिप के लिए मनी प्रॉब्लम। जुन कहता है मैं उस लड़के को खुद को पीटने को कहूंगा तो शायद एक्सपेंसिव वॉच वापस मिल जाए। सुनियन उसे मना करती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में जुन लाइव स्ट्रीम कर रहा था और सुनियन के कहने पर फैन के क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहा था। बाकी सब हैरान थे कि जुन के फॉलोअर्स इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं और उसे मनी रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। तो लिंगजुन कहता है जुन तो मनी प्रिंटर है। जब फैंस जुन से पूछती है तुम्हें किस टाइप की गर्लफ्रेंड पसंद है, तो वो सुनियन की तरफ देख कहता है मीडियम लॉन्ग हेयर राउंड फेस। वो खुश हो रही थी, वो उसकी तरफ इशारा करता है, पर फिर याद आते ही फोन की तरफ इशारा करता है। गर्ल्स खुश होती हैं कि हैंडसम जुन ने उन्हें चुना क्योंकि वो उनका आइडल था। जब जुन के बहुत सारे फैंस ने उसे गिफ्ट देने के लिए भीड़ लगा रखी थी तो वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है। तभी सुनियन कहती है आप सबका थैंक यू, पर प्लीज किंगमिंग टीम को भी सपोर्ट करो, तो और जाने को कहती है, पर वो नहीं सुनते। पर जुन के कहने पर सब फैंस चले जाते हैं। सुनियन जुन को कहती है अगर फैंस को पता चला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो हम फैंस लूज कर सकते हैं। जुन कहता है क्या तुम जेलस नहीं हो। वो कहती है हाँ हूँ, पर कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लिंगजुआन टूटू से कहता है अगर मेरे फैंस मुझे गिफ्ट देने आएंगे तो तुम क्या करोगी। टूटू कहती है किसी की हिम्मत मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे,
मैं उन्हीं की गिफ्ट लेकर उनसे उनका मुंह तोड़ दूंगी। नेक्स्ट डे जुन के फैन उससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तो सुनियन के साथ साथ जैंग भी जेलस हो रहा था क्योंकि जुन बहुत फेमस हो गया था। तभी फिर जैंग के फैंस आकर कहते हैं, हम तुम्हारी हैंडसमनेस के दीवाने हो गए, हम तुम्हें लाइक करते हैं। सब हंस रहे थे और फैंस जैंग के साथ सेल्फी लेते हैं तो वो भी हंसने लगता है। तभी फिर से जुन के फैंस उसके साथ सेल्फी लेने आ जाते हैं। वो सब ये देख खुश होते हैं कि जुन के फॉलोअर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रैंडपा इस बात से गुस्सा होते हैं कि उनका इकलौता पोता घर से भागकर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया और अगर वो पैसे कमाने लग गया तो घर भी वापस नहीं आएगा। और फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां जुन की ट्रेनिंग चल रही थी। वहां जुन के फैंस जुन की तारीफ कर रहे थे तो ये देख ग्रैंडपा खुश होते हैं। पर जब शैन के हाथ को पेन में देख जुन उसके पेन स्प्रे लगाता है तो ग्रैंडपा गुस्सा हो चले जाते हैं। पर फिर घर आकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। इंटरनेट पे ग्रैंडपा के बीमार होने की न्यूज देख सुनियन जुन को हॉस्पिटल जाने को कहती है। पर जैन को लगता है ये ग्रैंडपा का नाटक भी हो सकता है जुन को वापस बुलाने के लिए। तभी टूटू कहती है, मेरी कजन उस हॉस्पिटल में नर्स है। तो सुनियन को एक आइडिया आता है और फिर वो ग्रैंडपा की नर्स बन जाती है। सुनियन की मसाज ग्रैंडपा को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सुनियन स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट से थी। नेक्स्ट डे सुनियन को सैड देख ग्रैंडपा उसके सैड होने का कारण पूछते हैं तो वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, शायद उन्हें लगता है मैं अच्छी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल लड़की को रिजेक्ट करे, तुम उसके परिवार वालों पे ध्यान मत दो, यू ओल्ड पीपल का तो काम ही है हमेशा लव में टांग अड़ाते रहते हैं, तुम बस अपने लव को कंटिन्यू रखना। तो वो हंस पड़ती है। फिर बाद में जुन ग्रैंडपा से मिलने आता है और उनसे माफी मांगता है। पर ग्रैंडपा तो फीमेल कोच पर गुस्सा थे और जुन को फीमेल कोच से मिलवाने को कहते हैं, पर वो सबको ले आया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं, वो फीमेल कोच कौन है उससे मिलवाओ। तभी सुनियन आगे आकर कहती है, मैं हूँ सुनियन। ग्रैंडपा बहुत हैरान थे। फिर बाद में सुनियन ग्रैंडपा को कहती है, जुन को बास्केटबॉल बहुत पसंद है, प्लीज उसे खेलने दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं, पहले ये बताओ जुन बास्केटबॉल को ज्यादा लाइक करता है या तुम्हें। वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे, पर मुझे उसका बास्केटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है। और फिर व्हीलचेयर प्लेयर को दिखाकर कहती है, भले ही वो व्हीलचेयर पर हैं, पर उनका बास्केटबॉल से प्यार खत्म नहीं हुआ, तो क्या आप जुन को खेलने से रोकेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर नेक्स्ट मैच में मैं स्पॉन्सर करूंगा। वो खुश होकर ग्रैंडपा का थैंक यू करती है। फिर किंगमिंग और शेनहो टीम में बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है। इस बार किंगमिंग टीम के प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे थे तो शेनहो के प्लेयर्स जानबूझकर जुन को गिरा देते हैं। फिर बाद में शेनहो का कैप्टन जिया जी चूरैन की ट्रिक फॉलो करता है तो वो किंगमिंग टीम से ज्यादा स्कोर बना लेता है। सुनियन की बताई ट्रिक को फॉलो कर लिंगजोन शेनहो के गोल होने से रोक रहा था। शेनहो और किंगमिंग टीम के स्कोर बराबरी पर चल रहे थे। शेन भी धड़ाधड़ स्कोर बना रहा था तो जिया जी से कहता है, पिछली बार गिरने से पहले तू ऐसे धड़ाधड़ खेला था। पर सुनियन ने तो पहले ही प्लान बना लिया था क्योंकि उससे पता था हो सकता है लास्ट मोमेंट्स पर चूरन खेले जो 5 मिनट में 20 गोल तक कर सकता है, इसलिए शेन कुछ मिनट्स का गैप लेकर खेलेगा ताकि वो बार बार एनर्जी रिस्टोर कर सके। और इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक प्लेयर भी रख लिया था, इसलिए फर्स्ट हाफ में किंगमिंग शेनहो से ज्यादा स्कोर बना लेती है। टूटू लिंगजुआन को बढ़िया खेलने के लिए हैंडबैग पहनाती है और सुनियन भी जुन को हक करके एनर्जी देती है। अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार मिलने के बाद लिंगजुआन और जुन धड़ाधड़ गोल करते हैं। किंगमिंग टीम बहुत आगे हो गई थी इसलिए चूरन एक प्लेयर को रिप्लेस कर खुद गेम में आ जाता है और उसके आते ही वो धड़ाधड़ गोल बनाना स्टार्ट कर देता है और तो और किंगमिंग टीम को भी गोल नहीं करने देता, इसलिए सुनियन और बाकी सबको टेंशन हो रही थी। और ऊपर से शेनहो का कोच भी उन्हें चूरन की तारीफ कर डराने लगता है पर वो उल्टा कोच को ही सुना देते हैं तो वो चलता बनता है। शेनहो के स्कोर किंगमिंग से ज्यादा हो गए थे इसलिए किंगमिंग टीम को गुस्सा आ रहा था और वो इस बार पूरा कोऑपरेशन से खेलते हैं। जुन चूरन का गोल भी रोक देता है जिससे वो हैरान था। चूरन और जुन एक दूसरे को देख रहे थे और बॉल जुन के हाथ में थी पर चूरन जुन को गोल करने से नहीं रोक पाता। चूरन वाज टोटली शॉक पर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि किंगमिंग टीम जीत गई थी और शेनहो टीम उन्हें हंसता देख उदास थे। इस बार सुनियन ने फैंस को जुन की गर्लफ्रेंड होने वाली बात हाइड नहीं की थी इसलिए जुन खुश था। पर ज्यादा खेलने से शेन की हाथ की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। वो जुन और सुनियन से इस बात को छुपा रहा था पर उन्हें पता चल ही जाता है। सुनियन को सैड देख जुन कहता है, चिंता मत करो, हम शेन को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल जीतने पर किंगमिंग टीम को ऑफिशियल प्लेयर अनाउंस कर देती है पर सुनियन खुश होने के बजाय सैड थी क्योंकि वो कोच होने के नाते अपने एक प्लेयर
यानी शेन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई थी। सुनियन को सैड देख जुन उसे हमेशा खुश रहने का प्रॉमिस करने को कहता है। वो हाँ कर देती है, पर उसे तो कुछ और भी चाहिए था। वो कहती है, क्या चाहिए? वो कहता है, तुम्हें कल पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में सुनियन बार बार ड्रेस चेंज कर रही थी और जुन को दिखा रही थी। फिर जुन उसे शॉपिंग करवाता है, वो प्राइस देख कर ही छोड़ देती है, तो जुन उसके लिए वो सब कुछ बाय कर लेता है और बॉडीगार्ड सामान लेकर उनके पीछे पीछे। ज्यादा सामान की वजह से सुनियन उसे बस से चलने को कहती है और दोनों ने एक दूसरे के शोल्डर पर सिर रख रखा था। पर सुनियन अभी भी शेन वाली बात को लेकर सैड थी, तो जुन उसे हक करके रिलैक्स करने को कहता है। फिर वो दोनों स्वीट पोटैटो भूनकर खाते हैं। जुन को लूज मोशन ना हो इसलिए वो उसे थोड़ा सा देती है। जुन उसके लिए बहुत सारे डॉल्स कैच करता है तो वो बहुत खुश होती है। फिर रात में दोनों साथ में मून एंड स्टार्स देखते हैं, क्योंकि अब तो दोनों लवी डवी कपल बन गए थे। फिर दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, पर सुनियन को डैड की याद आ गई थी तो वो उसे चुप कराता है और फिर दोनों साथ में स्पाइसी डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुनियन लुए को कहती है, प्लीज तुम किंगमिंग के असिस्टेंट कोच बन जाओ और इस बहाने तुम अपनी ऐना के भी करीब हो पाओगे। वो कहता है, माना कि लव प्रीशियस है, पर मैं शेनहो का कैप्टन था और मैं चूरन की तरह धोखेबाज नहीं बनना चाहता। सुनियन सैड थी तो जुन सुनियन को एक आइडिया बताता है जिससे लुए असिस्टेंट कोच बन जाएगा। और फिर जुन लुए को दोस्ती का वास्ता देकर असिस्टेंट कोच बनने को कहता है, पर दोस्त तो कमीने होते हैं, तो लुए मना कर देता है। जुन भी कहां कम था, लुए को उसकी सेमी न्यूड फोटोज और अगली फोटोज दिखाकर कहता है, तो क्या मैं इन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दूं? लुए कहता है, पहले डिलीट कर फिर हाँ करूंगा। वो डिलीट कर देता है पर लुए मना कर चला जाता है। जुन के पास फोटोज का बैकअप था पर वो फिर भी डिलीट कर देता है। फिर सुनियन के कहने पर ऐना लुए को असिस्टेंट कोच बनने को कहती है और उसे रोमांटिक होकर बातें कर रही थी, पर लुए बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और शेनहुआ के कोच से जाकर कहता है, मैं किंगमिंग का असिस्टेंट कोच बनने जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा शेनहुआ से कोई वास्ता नहीं रहा। जब लुए किंगमिंग का असिस्टेंट कोच बनने के लिए हाँ कर देता है तो ऐना बहुत खुश होती है। जैसे ही फेंग फाउल करता है तो सुनियन उसे बताने वाली थी, पर तभी लुए उससे पहले ही उसे बता देता है। तो सुनियन सोचती है, लुए तुम उससे बहुत अच्छा कोच है, यानी अब मैं अपनी कोच की पोजीशन छोड़ सकती हूँ। लुए और फेंग दोनों ऐना के पीछे पीछे चल रहे थे तो तंग आकर ऐना फेंग को पानी लेने भेज देती है और लुए को अपना पर्स पकड़ने को दे देती है। ट्रेनिंग टाइम पर फेंग लुए को बार बार धक्का दे रहा था तो ऐना कहती है, ये चल क्या रहा है? उसकी फ्रेंड कहती है, शायद ये दोनों तुम्हारे लिए फाइटिंग कर रहे हैं। फिर लुए ऐना के पीछे पीछे उसकी क्लास तक में आ गया था तो वो कहती है, मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनने के लिए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है, पर मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे लाइक करो क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। तो वो हंस पड़ती है। फेंग ऐना पर गिव अप करने को मना कर देता है तो सुनियन कहती है, गिव अप करने को कौन कह रहा है? तुमने जो ट्रेनिंग में किया वो गलत था। अपने पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर से अलग रखो, इसलिए तुम्हें लुए की बात सुननी चाहिए। लुए और ऐना भी उनकी बातें चुप चुप सुन रहे थे। वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किमिंग को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर मैं उस लुए की भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ कोच की सुनूंगा। वो कहती है, पर क्यों? अगर वो अकेला कोच होगा तब भी? वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोच तो तुम हो ना। ये सुन लुए और ऐना भी हैरान थे। ट्रेनिंग में जब फेंग लुए को बार बार धक्का मार रहा था तो ऐना को गुस्सा जाता है, पर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे तो ऐना जानबूझकर लुए को अपनी तरफ बॉल पास करने को कहती है। वो बॉल पास करता है पर बॉल सुनियन के लगने वाली थी, पर जुन उसे बचा लेता है तो वो ऐना की इस हरकत पर उसे वार्निंग देता है। ऐना सॉरी मांगती है। फिर ट्रेनिंग में लुए चूरन की स्किल्स की कॉपी कर रहा था। पहले तो जुन उसे नहीं रोक पाता पर फिर रोक लेता है और गोल भी कर देता है। सुनियन अपने कोच की पोजीशन छोड़ने को सोच रही थी जब लुए और ऐना से जुन को ये बात पता चलती है तो वो उसके लिए खाना बनाकर लाता है। सुनियन जुन को बताती है कि मैं बीजिंग जाकर स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके डैड उसे कोच बनने से पहले बीजिंग जाकर सीखने को कह रहे थे, इसलिए वो अपनी कमियों को सुधारना चाहती थी। तो जुन उसे गले लगा लेता है। वो कहती है, सॉरी पर हम साथ नहीं रह सकते। तो वो उसे किस करने लगता है और कहता है, तुम पहली हो जिसे मैंने किस किया, तो तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। सुनियन जा रही थी इसलिए टूटू भी सैड थी।
नेक्स्ट डे वो सब अपने हाथ एक दूसरे से बांधकर सुनैन का पीछा कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा करके वो सुनैन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये जुन का आइडिया था। तो जुन उसे कहता है, तुमने हम सबकी हेल्प करके हमें जीने का मतलब सिखाया है, हमें बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत दी है। तुम्हारी शैन की चोट वाली एक मिस्टेक बाकी अचीवमेंट्स को कवर अप नहीं कर सकती। और फिर उसे प्राइज और बास्केटबॉल दिखाता है। फिर वो उसे दिखाता है कि कुछ गर्ल्स फैंग का मजाक उड़ा रही थी, पर एक गर्ल कहती है, तुम्हें पता है फैंग हमारे स्कूल का बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है। और फैंग से कहती है, फैंग तुम अच्छे हो, इनकी मत सुनो। इतना सब कुछ देखने के बाद सुनैन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बीजिंग जाए या नहीं। नेक्स्ट डे वो सबको सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, पर वो सब लेट थे। और फिर उनकी डेविल ट्रेनिंग स्टार्ट करवाती है, यहाँ तक कि उन्हें रेस्ट भी नहीं करने देती। बेचारा जैंग टॉयलेट में ही सो गया था, पर कोच सुनैन वहां भी पहुंच जाती है। जैंग कहता है, मुझे पता होता कि डेविल ट्रेनिंग ऐसी होती है तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करता। लुए भी अपनी असिस्टेंट कोच वाली पोजीशन छोड़कर चला जाता है। तभी एना कर कहती है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो जो तुमने मुझसे लुए को असिस्टेंट बनाने के बदले में किया था, जुन के साथ एक दिन के लिए डेट पर जाने का। सुनैन उसे मना करने की कोशिश कर रही थी पर एना नहीं मानती। तो सुनैन जुन को एना के साथ डेट पर जाने को कहती है। वो कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर जाएगा, तुम्हें जेलसी नहीं होगी? वो कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है। तभी एना कर कहती है, क्या तेरा बॉयफ्रेंड रेडी है? और उसे अपने साथ ले जाती है। पर सुनैन ये सोच कि एना जुन के साथ क्या कर रही होगी, उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। तो टूटू कहती है, जुन एना से बहुत लंबा है और स्ट्रॉन्ग भी, तो चिंता मत कर, एना उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। पर सुनैन वहीं पर उन दोनों पे नजर रखने पहुंच जाती है। एना जुन को जबरदस्ती हक कर रही थी और कहती है, चिंता मत करो, मैं लुए के साथ जाने वाली हूँ। सुनैन से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो एना को मारने आती है, पर एना डर के मारे भाग जाती है। जुन उसे रोकने के लिए सुनैन को गोद में उठा लेता है, पर वो उससे गुस्सा हो जाने लगती है। तो जुन कहता है, एना लुए के पास जा रही थी, वो बस मुझे गुड बाय हक कर रही थी। सुनैन कहती है, और तुम? उसने कहा वो हक करेगी, तुमने सोचा तुम मॉल के डॉल हो? मैं तुम्हें क्लीन करने के लिए तुम्हारे लिए अभी सैनिटाइजर लेने जा रही हूँ। वो इतनी गुस्से में थी कि टकराने वाली थी, तो वो उसे बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे नीचे उतारने को कहती है, तो वो अपनी जेलस क्यूट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सुनैन मास्क पहनकर जुन को घूरे जा रही थी। तभी वहाँ चूरन सुनैन से मिलने आता है, पर जुन उसे भगाने लगा था। तो चूरन कहता है, तू सुनैन के लिए सुटेबल नहीं है। जुन कहता है, मैं हूँ या ना हूँ तुझे क्या? सुनैन उनका झगड़ा रुकवाने लगती है, पर चूरन से गुस्सा सिर्फ जुन ही नहीं बाकी सब प्लेयर्स भी थे। तो जुन कहता है, देखते हैं ज्यादा पावर किस में है। चूरन कहता है, ठीक है, इस बार मैं शेनहुआ की तरफ से पूरा मैच खेलूंगा। टूटू सुनैन को बताती है कि आजकल किंगमिन टीम का बहुत सारी चीजें टूटने लगी हैं, पर मैं उन्हें रिपेयर करने के लिए टीम का पैसा नहीं खर्च करना चाहती, वरना फंडिंग कम हो जाएगी। तभी सुनैन उसे एप्पल बीच में तोड़कर देती है। तो टूटू कहती है, तूने वो सारी चीजें तोड़ी है? फिर टूटू सबको बताती है कि किंगमिन टीम के ड्रेसिंग रूम का के गेट का लॉक सुनैन ने तोड़ डाला और मेंस टॉयलेट की टैब भी तोड़ डाली, यहाँ तक कि सुनैन ने अपना फोन भी तोड़ डाला क्योंकि आजकल वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। तो प्लीज अभी कोई सुनैन के क्लोज मत जाना क्योंकि अगर मैच से पहले चोट लग गई तो खेल नहीं पाओगे। तो जुन को सुनैन की टेंशन होती है। तभी लाइट चली जाती है और कोई वाइट ड्रेस पहन के जुल्फी आगे करके आ रहा था। वो सब डर गए थे, पर वो तो सुनैन थी जो टूटू से अपना फोन लेने आई थी। जुन सुनैन को हक करके कहता है, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। पर वो उसे हक करके भींच लेती है। जुन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ताकतवर क्यों है? नेक्स्ट डे जुन सुनैन को रेस्टोरेंट में खाने पे ले आया था क्योंकि सुनैन को खाना बहुत पसंद है, पर वो इतना खाती है कि रेस्टोरेंट का मैनेजर तंग आ गया था और कहता है, प्लीज आगे से यहाँ दोबारा मत आना क्योंकि हमने तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, और धप्पा देना गेट बंद कर देता है। पर जुन तो उस पूरे रेस्टोरेंट को ही बाय कर लेता है और बेचारे मैनेजर के कपड़े तक छीन ले जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो दोनों एक दूसरे के साथ भागते हैं। इधर लिंगजोन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा था और टूटू से कहता है, थैंक यू हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। वो कहती है, वो तो तुम पहले से हो। तो वो कहता है, ये काफी नहीं है, मुझे और बेटर बनना है। इधर जुन सुनैन के भीगे बाल साफ करता है
और फिर उसे देख, उसे किस करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। तो वो उसे पब्लिक में किस करने से रोकती है। वो कहता है यही पास में होटल है, वहीं पर रुक के चेंज कर लेंगे। होटल का नाम सुन सुनैन नर्वस हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें हनीमून वाला रूम दे देती है। इतना रोमांटिक रूम देखकर सुनैन को अजीब फील हो रहा था। और फिर अपने कपड़े चेंज करके आती है। बेचारे जुन ने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, पर सुनैन रोमांस के बदले वहाँ भी उससे ट्रेनिंग करवा रही थी। इधर टूटू को सुनैन का मैसेज आता है, मेरी हेल्प कर, मैं जुन के साथ होटल के रूम में अकेली हूँ। जुन सोचता है जब गर्लफ्रेंड कोच होगी तो ऐसा ही होगा। इतने में वहाँ वो सब आकर कहते हैं, तूने हमारी कोच के साथ क्या किया। जेंग कहता है, मेरा भाई भी तो विक्टिम है, क्या पता कोच ने मेरे भाई के साथ कुछ किया हो। फेंग कहता है, तूने कौन सी लव ट्रिक अपनाई कि होटल के रूम में ले आया, मुझे भी बता दे, मैं भी एना को मना लूंगा। शेन कहता है, कोई सेफ्टी यूज की थी ना की थी। तभी सुनैन आकर उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे वो सब थक जाते हैं। इधर कोच चूरन से कहता है, तुम भी किंग मिंग के कैप्टन थे तो तुम्हें उनकी इंटरनल सिचुएशन ज्यादा पता है, क्या कोई रास्ता है कि उन्हें साइकोलॉजिकल वीक किया जा सके। जिसके लिए चूरन भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे सुनैन का आइसक्रीम खाने का मन था, इसलिए जुन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, पर वो उसे आइसक्रीम नहीं दे रहा था। उन दोनों की रोमांटिक फाइटिंग देख सब खुश होते हैं। लिंगजुआन जुन को अपने साथ 1-to-1 मैच करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जुन से बेटर है, पर सुनैन टीम के अंदर ही ऐसे झगड़ने से मना कर देती है, इसलिए लिंगजुआन गुस्से में था। सुनैन को पीरियड्स हो रहे थे, इसलिए जुन उसके लिए काढ़ा बनाकर लाता है, पर वो ट्रेनिंग के लिए जाने की जिद कर रही थी तो वो कहता है, तुम नहीं जा सकती, ना ही तुम कोल्ड वाटर पियोगी और ना ही हार्ड एक्सरसाइज करोगी, समझी। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है, इंटरनेट। फिर सुनैन उसे बताती है कि उसकी मॉम जुन से मिलने आ रही हैं, तो जुन थोड़ा घबरा जाता है पर फिर भी हाँ कर देता है। और फिर टूटू को कंसल्टेशन फीस देकर उससे इस बारे में हेल्प लेने आता है। वो कहती है, तुम्हें बस आंटी के सामने शांत रहना है, तुम हर चीज में अच्छे हो तो आंटी को तुम जरूर पसंद आओगे, जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनना। तो जुन घर आकर बार बार कपड़े ट्राई करके देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आना था। इधर सुनैन उठ नहीं रही थी तो टूटू उसे खाने की खुशबू सुंघा कर उठाती है और फिर सुनैन को ना चाहते हुए भी आंटी की पसंद के कपड़े पहना देती है। आंटी की पसंद की सुनैन वाली ड्रेस जुन को भी अच्छी लगती है, वो खुश होती है, पर वो उसे कुछ देना चाहता था। फिर सुनैन ने उसी के जैसे सेम यूनिफॉर्म पहन ली थी, तो वो कहता है, फ्यूचर में मैं चाहता हूँ जब भी मैं खेलूँ तुम मेरी यूनिफॉर्म पहनो। और फिर दोनों किस करने के लिए क्लोज होते हैं और किस करने वाले थे, तभी लिंगजुआन आकर बास्केटबॉल उनकी तरफ फेंक कर मारता है, पर जुन तभी पकड़ लेता है। लिंगजुआन कहता है, रोमांस में टाइम वेस्ट करने की बजाय मेरे साथ मैच खेलकर मुझे अपनी बास्केटबॉल स्किल दिखा। और फिर ट्रेनिंग टाइम पर जेंग से मैच करता है और उसे हरा देता है, और फिर फेंग से मैच करता है और उसे भी हरा देता है। टूटू खुश होती है, पर बाकी सब चले गए थे, यानी उन्होंने लिंगजुआन को खेलते नहीं देखा था, इसलिए वो गुस्से में था। सबके जाने के बाद भी लिंगजुआन ट्रेनिंग कर रहा था, तभी चूरन आकर कहता है, तेरी इतनी ट्रेनिंग का क्या फायदा, क्योंकि किंगमिंग टीम का कैप्टन तो हर बार की तरह सिर्फ जुन ही होगा। लिंगजुआन कहता है, मैं जुन को पीछे छोड़कर रहूंगा। चूरन कहता है, तू चाहे जितना भी ट्राई कर ले, सब जुन को ही अपना कैप्टन बनाएंगे, कोशिश करके देख ले, वरना मेरे पास आ जाना। और फिर नेक्स्ट सीन में जुन और लिंगजुआन में मैच होता है, पर जुन गोल कर देता है और लिंगजुआन भी गोल कर देता है, पर सेकंड बार में जुन गोल नहीं करता और उसने लिंगजुआन की बॉल भी नहीं रोकी थी, इसलिए लिंगजुआन जीत जाता है। सब हैरान और खुश दोनों थे। लिंगजुआन जाते जाता टूटू को फ्लाइंग किस कर जाता है। जुन भी स्माइल करता है, क्योंकि वो जानबूझकर लिंगजुआन से हारा था, और लिंगजुआन तो बाहर आकर बहुत खुश होता है। और फिर जॉब करते हुए लिंगजुआन कहता है, मैं तुम्हें बेटर लाइफ दूंगा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है। टूटू हाँ करती है और उसने उसके लिए केक भी बनाया था जो लिंगजुआन को बहुत टेस्टी लगता है। लिंगजुआन कहता है, मैं अब जॉब छोड़कर फुल टाइम प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। वो कहती है, तुम खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। वो कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। टूटू कहती है, ऐसा नहीं है, पर उस टाइम जब तुम गोल कर रहे थे सबने देखा था, जुन ने जानबूझकर तुम्हें गोल करने से नहीं रोका और उसने खुद भी जानबूझकर गोल नहीं किया था ताकि तुम जीत जाओ। लिंगजुआन कहता है, तुम सब मेरी स्किल पे भरोसा क्यों नहीं करते। मैं जुन को हरा सकता हूँ, मैं सबको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। और गुस्सा भाग जाता है तो टूटू सैड हो जाती है। फिर रात में लिंगजुआन चूरन से मिलने आता है और उसे कहता है, किसी को भी मेरी स्किल पे भरोसा नहीं, तो मैं आगे क्या करूँ।
वो कहता है शेनहुआ टीम प्लेयर्स को रिक्रूट कर रही है, तो आ जाना। नेक्स्ट डे लिंगजुआन ट्रेनिंग में भी नहीं आता, तो टूटू उसके पार्ट टाइम जॉब पर लिंगजुआन का वेट करते करते सो गई थी, तो वो उससे आने का कारण पूछता है। टूटू कहती है मैंने तुम्हारे लिए दूसरा केक बनाया, गुस्सा मत हो, गेम सिर्फ कैप्टन से नहीं पूरी टीम से खेली जाती है, तो प्लीज कैप्टन बनने के लिए अपनी ही टीम से लड़ाई मत करो। पर उसे तो कैप्टन बनने का भूत सवार था, इसलिए वो गुस्सा हो चला जाता है। इधर एना उन सबको अगर बताती है कि मुझे पता चला है शेनहुआ टीम का चूरन लिंगजुआन को किमिंग के खिलाफ भड़का रहा है, तो जुन जल्दी से गुस्से में भाग जाता है। इतने में वहाँ सुनयन भी आ जाती है। इधर जुन आकर चूरन के घुसा मारता है और उन दोनों में आपस में फाइटिंग होने लगी थी, पर सुनयन आकर उन दोनों की फाइटिंग रोक देती है। जुन चूरन को कहता है तू सच में धोखेबाज कहलाने के लायक है, पर सुनयन चूरन से अकेले में बात करने को कहती है और उससे पूछती है क्या तुमने सच में लिंगजुआन को किंगमिंग छोड़ने के लिए कहा था, पर क्यों, किंगमिंग तो तुम्हारी मदर टीम थी। वो कहता है प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए प्लेयर एक ही क्लब में नहीं रह सकता, मैं अब शेनहुआ में हूँ और किंगमिंग मेरा पास्ट था और मैंने लिंगजुआन को उसके भले की बात कही है। वो कहती है तुम जानते थे ना कि लिंगजुआन जल्दी गुस्सा हो जाता है, फिर भी तुमने उसे भड़काया। वो कहता है माना कि इसमें मेरा लालच था, पर मैंने कोई गेम का रूल नहीं तोड़ा, माना कि ये सब मैंने खुद के जीतने के लिए किया, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि गेम में सिर्फ जीतना और हारना मैटर करता है। सुयन कहती है मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुई, तुम कभी मेरे डैड के सबसे बेस्ट स्टूडेंट प्लेयर थे, मुझे भरोसा है डैड ने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया होगा, और जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ रोकता है, तो ये देख जुन को गुस्सा आ रहा था पर एना उसे रोक देती है। चूरन कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे जीतना सिखाया था। वो कहती है पर मेरे डैड ने ये नहीं सिखाया कि जीतना बाकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है तुम्हारे डैड जीतने के लिए मुझसे भी ज्यादा उतावले थे, वरना मेरी एक मिस्टेक से उनकी हार्ट अटैक से डेथ नहीं होती। वो कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हारी मिस्टेक से? वो कहता है हाँ मेरी मिस्टेक से, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, मुझे इसी गिल्ट के साथ जीना पड़ रहा है कि मैंने अपने कोच को खो दिया, कोच ने हमसे झूठ बोला था कि लोग बास्केटबॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है हर प्लेयर के लिए जीतना हारना बहुत मैटर करता है, और कोच के लिए भी करता था, और चला जाता है। सुनयन को सैड देख जुन चूरन को पीटने जाने वाला था, पर सुनयन उसे रोक देती है, तो जुन सुनयन को कहता है मुझे नहीं लगता कोच वैसे थे जैसा चूरन ने कहा, टीम छोड़ने के बाद भी कोच मुझसे मिलने आए थे और कहा था जीतने या हारने पर प्रेशर मत डालो, हमें दूसरों के बजाय खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहिए, क्योंकि कोच के लिए जीतना और हारना ही सब कुछ नहीं था। तभी मॉम आकर कहती है सही कहा, सुनयन के डैड का यही मानना था, और फिर उन्हें डैड की सारी डायरीज देती है और कहती है चूरन और तुम्हारे डैड का रिलेशन फादर सन जैसा था, तो मैं नहीं चाहती चूरन अपने फादर को गलत समझकर रॉन्ग डायरेक्शन में जाए। तो सुनयन डैड की सारी डायरीज चूरन को दे देती है, जिसमें लिखा था चूरन के डैड ने मुझे बताया था कि वो रिबेलियन है, उसे स्टडी या किसी से बात करना पसंद नहीं, सिर्फ बास्केटबॉल पसंद है, पर एक दिन जब वो मैच हार गया तो बहुत गुस्से में था, तो मैंने उसे समझाया कि बास्केटबॉल खेलना दूसरी बात है, पहले उसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, काश वो ये हमेशा याद रखे। चूरन ये सोच खेल रहा था, तभी वहाँ जुन और सुनयन आते हैं, पर जुन सुनयन को चूरन के पास नहीं बैठने देता, उसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बीच में से उठकर साइड में बैठ जाता है। वो कहती है तुम खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि डैड तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर नहीं गए, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस गिल्ट के साथ जियो। वो कहता है थैंक यू मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, मैं लिंगजुआन को समझा दूंगा। सुनयन कहती है तो ठीक है एक मैच दिल से खेलते हैं जो बिना गिल्ट के हो। फिर मैच वाले दिन वो सब लिंगजुआन का वेट कर रहे थे, पर टूटू को लिंगजुआन कहीं नहीं मिलता। फिर लास्ट मिनट पर लिंगजुआन आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैच देखने के लिए प्रिंसिपल भी आ गई थी, तभी शेनहुआ का कोच आकर कहता है क्यों ना इस पर एक बैट लगा ली जाए, जो गोल्ड मेडल मैंने लास्ट ईयर तुम्हारे डैड से जीता था, अगर किंगमिंग टीम जीती तो ये तुम्हारा हुआ। तो सुनयन उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इस बार मैच में शेनहुआ का कैप्टन चूरन था, इसलिए किंगमिंग और शेनहुआ दोनों टीम ही धड़ाधड़ गोल कर रही थी, पर लिंगजुआन चूरन को गोल करने से नहीं रोक पाता और वो गिर गया था, तो जुन उसे उठाता है। इस बार बॉल चूरन के हाथ में थी और जुन को उसे रोकना था, पर जुन चूरन से बॉल खींचकर लिंगजुआन को पास कर देता है और वो गोल कर देता है। शेनहुआ का कोच कहता है काश जुन हमारी टीम में होता तो शेनहुआ ही हमेशा नेशनल चैंपियन बनती। प्रिंसिपल कहती है पहले किंगमिंग को जीतने देते हैं। शेनहुआ टीम एक दूसरे को फास्ट बॉल पास करती है, पर जुन उनसे बॉल छीन लेता है।
उन सब ने उसे घेर रखा था, पर वो फिर भी उनके बीच में से बॉले जाकर गोल कर देता है। सुनियन बहुत खुश होती है क्योंकि जिस चुन ने कभी उसे बास्केटबॉल खेलने से मना किया था, आज वो दिल से खेल रहा है। लिंगजोन बहुत ऊंची कूद कर गोल कर रहा था, पर शेनहो का प्लेयर उसे गिरा देता है, इसलिए उसके पैर में चोट लग जाती है और वो आगे नहीं खेल सकता था। तो लिंगजोन की जगह वो अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर यांग को खेलने भेजते हैं, पर यांग ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए वो ना तो सही से बॉल कैच कर पा रहा था और ना ही बॉल पास कर पा रहा था, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में शेनहो के स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। यांग थोड़ा टेंशन में था तो वो सब यांग को खुद पे प्रेशर लेने से मना करते हैं। उनके पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचा था, जो था कि अब सिर्फ लुए ही लिंगजोन की जगह पर खेल सकता है। शेनहो का कोच लुए को खेलने नहीं दे रहा था, पर प्रिंसिपल कहती है लुए क्यों नहीं खेल सकता, वो अब शेनहो का प्लेयर थोड़ी ना है। पर लुए किंगमिंग का प्राइवेट प्लेयर बन के तो खेल सकता है ना। तो लुए एना की तरफ देख कर हाँ कर देता है। फिर सेकेंड हाफ में लुए के आते ही किंगमिंग के स्कोर बढ़ने लगे थे। शेनहो के जिस प्लेयर की वजह से लिंगजोन की चोट लगी थी वो गिर गया था, तो लुए कहता है लिंगजोन को यहाँ तुम्हारी वजह से चोट लगी थी ना, तो मैंने उसका उधार छुट्टा कर दिया। शेनहो का कोच इतना डर गया था कि गेम पॉज करवा देता है। तो चूरैन सबसे कहता है मैं शेनहो में इसलिए आया ताकि तुम सबको बेटर प्लेयर बना सकूं। और फिर शेनहो टीम भी अच्छा खेलती है क्योंकि चूरैन ने उन्हें अच्छे से न्यू स्किल्स सिखाई थी, पर कोच सोनिया ने भी अपनी किंगमिंग टीम को ड्राइवल ट्रेनिंग करवाई थी, जिससे किंगमिंग टीम की स्कोर शेनहो से फिर से ज्यादा हो जाते हैं। तो शेनहो का कोच शेनहो के प्लेयर्स को गलत तरीके से जीतने का ऑर्डर दे देता है, पर चूरैन कहता है अपने ऑर्डर वापस लीजिए, हम गलत तरीके से नहीं खेलेंगे। कोच कहता है मैं वार्निंग दे रहा हूँ तो चुपचाप सुन, किंगमिंग की कोच वाली बात भूल गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर किंगमिंग और शेनहो के मैच से पहले शेनहो के कोच ने चूरैन को कहा था अगर तू किंगमिंग को जीतने नहीं देगा तो बदले में मैं तेरा शेनहो में ट्रांसफर करा दूंगा और नेशनल टीम के लिए तेरा नाम भी रिकमेंड कर दूंगा। इस लालच में आकर चूरैन ने जानबूझकर उस टाइम गोल नहीं किया था, और ये देख किंगमिंग कोच की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और कहता है चलो इस बार बिना रिग्रेट के गेम खेलते हैं, और वो भी मान जाते हैं क्योंकि चूरैन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। और फिर वो सब दिल से खेलते हैं, एट लास्ट किंगमिंग टीम जीत जाती है, तो वो सब बहुत खुश होते हैं। जैंग तो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। शेनहो का कोच सुनियन को वो गोल्ड मेडल दे देता है जिसे जून सुनियन को पहना देता है, और फिर लास्ट में किंगमिंग और शेनहो टीम साथ में फोटोज खिंचवाते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस क्यूट से ड्रामा का एंड हो जाता है। और इस पर थोड़ा ज्यादा वेट कर लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।